तय इस बेसिस पर होती है कि हमें जरूरत क्यों है इनोवेशन की। अगर हमारे पास कोई चीज ऐसी है जो बहुत अच्छे ढंग से चल रही है तो हम क्यों उसमें इनोवेट करें, हमें लगता है। लेकिन यह है कि प्रॉब्लम ये होती है कि हाँ, दूसरों को हो सकता है ना लगता हो, लिसनर को ना लगता हो, या आज चूंकि एक थर्ड जो फैक्टर है जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो मार्केट है, मार्केट को हो सकता है ना लगता हो। तो इसलिए ये तमाम चीजों को लेकर हमें इनोवेट करने की जरूरत होती है। ये एक और वजह हो सकती है इनोवेशन की। एक ऑर्गेनाइजेशन के तौर पर हम अपनी आइडेंटिटी को अलग रखना चाहते हैं बाकियों से, डिफरेंट हम अपने को एक अपनी पहचान बनाना चाहते हैं, इसलिए हम चाहते हैं कि हम वैसा कुछ ना करें जो बाकी कर रहे हैं, और इसलिए अभी ट्राई टू क्रिएट समथिंग न्यू, समथिंग नॉट सिमिलर टू व्हाट द अदर्स आर डूइंग। तो इस तरह से ये कुछ बेसिक पर्पजेज हैं उसकी, कि जो हम चीजों को इनोवेट करें तो क्यों करें, और करने की हमारी दिशा जो है वो क्या हो। उसमें और भी दो तीन चीजें हैं जो मैं आपके साथ शेयर जरूर करना चाहूंगा कि हम जब चेंजेस की बात करते हैं, नोवेलिटी की बात करते हैं, इनोवेशन की बात करते हैं, तो उसके पीछे जिस तरह से मैंने जो कुछ कारण आपको गिनाए हैं, उसमें एक बात जो हम खुद महसूस भी करते हैं ऑल इंडिया रेडियो के अपने फॉर्मेट्स को लेकर, के हमारे फॉर्मेट्स बहुत पुराने हैं। लंबे समय से उसमें कुछ कुछ चीजों में तो कुछ नयापन आया है, उसमें कुछ नई चीजें ऐड हुई हैं, कुछ नई चीजें जोड़ी गई हैं, कुछ नए ढंग से चीजों को करने की कोशिश की है, बट ओवरऑल जो हम एक इमेज जिससे क्रिएट होती है, इम्प्रेशन जिससे क्रिएट होता है, उसमें शायद हम कहीं ना कहीं लैग करते रहे हैं, हम थोड़ा पीछे रहे हैं, हमने ज्यादा एफर्ट नहीं किया, ज्यादा कोशिश नहीं की, ज्यादा हमें मोटिवेशन नहीं मिली, ज्यादा हमें सपोर्ट नहीं मिला, हमारे पास रिसोर्सेज की कमी रही, उसमें फाइनेंशियल रिसोर्सेज भी हैं, ह्यूमन रिसोर्सेज भी हैं, तो इस वजह से शायद हमारे लिए एक दिक्कत रही हो। लेकिन एक बात तो ये है कि चेंज या इनोवेट करने के पीछे एक बहुत बड़ा कारण ये होता है कि हम बहुत समय से, अगर हमने चीजों में बदलाव नहीं किया है, लंबे समय से हम एक ही तरह से चीजों को करते आ रहे हैं, तो जितनी जल्दी हो सके, एट द अर्लीस्ट पॉसिबल, हमें चीजों को इनोवेट करना चाहिए, उसमें अलग ढंग से चीजों को आज के सिचुएशंस पे, वो हम बाद में एनालाइज करेंगे कि क्या क्या फैक्टर्स होते हैं जो हमें इनोवेशन के लिए ध्यान में रखना है, और क्या क्या जरूरतें होती हैं, ये क्या क्या गोल्स हैं जो जिसके जो इनोवेशन के जरिए हम अचीव करना चाहते हैं। इसके अलावा जो आउटडेटेड हमारा सिस्टम हो चुका हो अगर, तो हम उसमें, ये वजह तो होती है, लेकिन एक और भी वजह होती है कि हम बाहर जब अपने देखते हैं, हमारा जो टारगेट ऑडियंस है, सोसाइटी है, हमारे जो मार्केट है, उसकी डिमांड क्या है, वो किस तरह की चीजें चाहते हैं, और किस ढंग से चाहते हैं, किस स्टाइल में चीजों को चाहते हैं, तो एक ये बड़ी वजह हो सकती है। क्योंकि जब हम अपने आसपास के माहौल में देखते हैं, ऑल इंडिया रेडियो के प्रोग्राम्स के कॉन्टेक्स्ट में अगर मैं बात करूं, तो हो सकता है कि बहुत सारी चीजें बहुत लोग पसंद करते हैं, लेकिन ऐसी भी चीजें हैं उनको लगता है कि कंटेंट बहुत अच्छा है, बहुत बेहतरीन कंटेंट है, रिच कंटेंट है, पर उसकी प्रेजेंटेशन जो है और बेहतर हो सकती है ताकि वो और इंटरेस्टिंग बन सके। यही एक बेसिक पर्पज होता है, और ये डिमांड है लिसनर की, और ये डिमांड लिसनर की बहुत जेन्युइन है, जायज है, इसलिए ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, क्योंकि कोई सुनेगा तो क्यों सुनेगा। कंटेंट की अवेलेबिलिटी चूंकि बहुत सारे प्लेटफॉर्म पर है आजकल, इस समय बहुत सारे सोर्सेज हैं जिसके जरिए कंटेंट जो है किसी को भी कभी भी कहीं भी अवेलेबल हो सकता है, तो फिर हमारा ही कंटेंट कोई क्यों सुने। इसके लिए बहुत जरूरी है कि हम अपने प्रोग्राम्स में, अपने प्रेजेंटेशंस में इनोवेट करें, उसमें एक्सपेरिमेंट करें, उसमें कुछ क्रिएटिविटी लेकर आए, कुछ इमेजिनेशन ऐसी। बेसिकली इनोवेशन की अगर हम बात करते हैं तो उसकी बेसिक जो कंडीशन है वो इमेजिनेशन है, क्योंकि अगर हम इमेजिनेटिव नहीं है अपने कंटेंट की प्रेजेंटेशन में, तो डेफिनेटली ये मानिए कि कंटेंट आपका बहुत अच्छी तरह नहीं पहुंच पाता है, या लोग कंटेंट के नाम पे, जो लोग बहुत सीरियस लिसनर हैं वो सुन लेते हैं, लेकिन जो सीरियस लिसनर नहीं है वो शायद उससे उतना कनेक्ट नहीं कर पाते हैं, उससे उतना जुड़ नहीं पाते हैं, या उनकी एक्सपेक्टेशंस पर हम खरे नहीं उतरते हैं। तीसरी चीज जो मैंने पहले भी जिक्र किया कि एक ऑर्गेनाइजेशन के तौर पर जब हम अपनी अलग पहचान बनाना चाहते हैं, या बाकियों से अलग कुछ हम देखना चाहते हैं, बाकियों से अलग कुछ करना चाहते हैं, तो वो एक फैक्टर होता है जब हमें इनोवेट करने की जरूरत होती है। और एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर जो आज की डेट में है, जो हम बार बार जिस पर डिस्कस भी करते हैं, वो है मार्केट की जरूरत क्या है। मार्केट में दरअसल जो हमारा क्लाइंट है उसकी, और जो हमारा कंज्यूमर है उसकी, इन दोनों की जरूरतों को ध्यान में रखकर ही हम चीजों को इनोवेट करने का हमें कोशिश करना चाहिए। दरअसल वही हमें
आप कह लीजिए फोर्स करते हैं, मोटिवेट करते हैं, इंस्पायर करते हैं, ताकि हम इनोवेट कर सके चीजों को. इनोवेट कैसे करना है, क्या करना है, वो चीजें हम देखेंगे. एक चूंकि बेसिक ब्रॉडकास्टिंग का जो फंडा है, पर्पस है मास मीडिया का, जो शुरू से पढ़ाया गया, शुरू से बताया गया, व्हेनेवर यू एंटर इन एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मास मीडिया, द फर्स्ट थिंग यू आर टोल्ड दैट द बेसिक पर्पस ऑफ द मीडिया इज टू एजुकेट, टू एंटरटेन एंड टू इन्फॉर्म. अब डिपेंड करता है कि कोई चैनल या कोई माध्यम खास एंटरटेनमेंट को ज्यादा जोर देता है, कोई एजुकेशन को ज्यादा जोर देता है, कोई इंफॉर्मेशन को ज्यादा जोर देता है. बेसिकली द चैनल्स विच आर बेसिकली फोकसिंग ऑन न्यूज, हार्डकोर न्यूज कंटेंट, वो इंफॉर्मेशन की बात होती है, लेकिन सॉफ्ट कोर जो प्रोग्रामिंग है वो एजुकेशन या अवेयरनेस को लेकर होती है. और एंटरटेनमेंट का तो फैक्टर सब जगह रहता है, लेकिन प्राइवेट अगर रेडियो चैनल्स की हम बात करें, अपने ऑर्गेनाइजेशन में एफएम चैनल्स की बात करें, इफ वी टॉक अबाउट विविध भारती, तो दे आर मोर फोकसिंग ऑन एंटरटेनमेंट एस्पेक्ट. लेकिन यहाँ दिक्कत क्या है, मुझे लगता है sometimes we think about it, we analyze the things, and I have found that yahan sirf hum dene ki baat karte hain ki hum aapko ye denge, means hum aapko entertain karenge, hum aapko educate karenge, hum aapko inform karenge. To pehli baat to ye ki hum karenge aapko ye cheeze, aur hum kaise karenge aur kya content hum denge, ye hum decide karte hain. Lekin isko lekar ek problem mehsoos hoti hai, kyunki aaj jis tarah se आप कह सकते हैं कि अगर आप सोशियोलॉजी के स्टूडेंट हैं, आप इसको एनालाइज करते हैं उस एंगल से, तो डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ ब्रॉडकास्टिंग जो है, आज ये टर्म यूज किया जाता है, क्योंकि आज लिसनर जो है वो डिक्टेट करता है, ही और शी इज द डायरेक्टर कि हमें क्या चाहिए. आप अगर डायरेक्ट आप अगर डिसाइड करेंगे सिर्फ अपनी मर्जी से, अपनी कैपेसिटी से, अपनी जो भी आपको लगता है कि ये जरूरत हो सकती है, तो वो चीजें बहुत इफेक्टिव नहीं हो पाती हैं, क्योंकि हो सकता है कि आप उन बेसिक लेवल पर उन चीजों के साथ ना कनेक्ट कर पा रहे हो. तो आज की तारीख में ये ध्यान में रखना बड़ा जरूरी है कि लिसनर आपका क्या चाहता है. और जब हम एजुकेट, इंटरटेन और इन्फॉर्म की बात करते हैं, तो क्या बियॉन्ड दैट ही और शी एज ए लिसनर नीड समथिंग मोर, समथिंग डिफरेंट फ्रॉम टू बी एजुकेटेड, टू बी एंटरटेन, टू बी इन्फॉर्म्ड. क्योंकि हम न्यूज के जरिए उनको इन्फॉर्म कर देते हैं, बट उसमें उनका कोई से नहीं है. न्यूज ऐसी चीज है जो वो सुनता है, उसको जानकारी उसकी बढ़ती है, नो डाउट अबाउट दैट. लेकिन वो क्या सुनना चाहता है, किस तरह की न्यूज सुनना चाहता है, उसको उसमें उसके कोई से नहीं. एजुकेट करने में जो हमारा गोल है एक मीडिया के तौर पर, उसमें क्या उसका कोई रोल है, हम क्या उसके इस ओपिनियन को फॉलो करते हैं, देखते हैं, फीडबैक लेते हैं, सजेशंस लेते हैं, कि वो एजुकेट होने के लिए क्या आखिर किस चीज को लेकर, किस एस्पेक्ट को लेकर वो एजुकेट होना चाहता है. एंटरटेनमेंट को लेकर ही अगर हम बात करते हैं, बेसिकली एंटरटेनमेंट बहुत वास्ट एरिया है, इसमें हमारे पास बहुत सारे एवेन्यूज हैं, चैनल्स हैं, प्लेटफॉर्म्स हैं, तो उसमें उसके पास अपनी च्वाइस तो है. लेकिन लिसनर के पास आज जो च्वाइस एंटरटेनमेंट के अलावा जिन चीजों में है, वो कंटेंट को लेकर जो इंफॉर्मेशन और एजुकेशन उसको मिलनी चाहिए, उसमें उसके पास कमी है. और उस कमी को भरने के लिए हमें बहुत कुछ हम इनोवेट करके उसके पास पहुंचा सकते हैं. देखिए प्राइवेट रेडियो चैनल जो है, वो टोटल फोकस उनका मार्केट और एंटरटेनमेंट है. एंटरटेनमेंट के थ्रू मार्केट को वो अपना यूज करना चाहते हैं या उसको कैप्चर करना चाहते हैं. एक एक्सट्रीम आप देखेंगे कि हमारे कम्युनिटी रेडियोज हैं. कम्युनिटी रेडियोज के उनके कुछ खास गोल्स हैं. वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में अगर काम कर रहे हैं, तो उनका एजुकेशन से पे ही फोकस है. अगर वो कोई एनजीओ या सोशल ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हैं, तो उसका अपने ऑर्गेनाइजेशन के गोल को लेकर उसका फोकस है. और वो एक लिमिटेड एरिया में ऑडियंस को या लिसनर को कवर करते हैं या उनकी जरूरतों को वो पूरा करते हैं. लेकिन बीइंग ए मास मीडिया, ऑल इंडिया रेडियो का पर्पस जो होता है वो इससे कहीं ज्यादा वास्ट है और इससे कहीं ज्यादा चैलेंजिंग भी है. इन चीजों को समझना बहुत जरूरी है, ताकि आप जब क्रिएट करते हैं कुछ नई चीजें, अपने प्रेजेंटेशन में कुछ इनोवेट करते हैं, तो उस इनोवेशन में ये फैक्टर्स आपके जहन में, आपके दिमाग में हमेशा रहने चाहिए. अदरवाइज दैट एक्सपेरिमेंट, दैट इनोवेशन मे नॉट बी ऑफ दैट लेवल कि सक्सेसफुल हो के इतना कि लोग उसको 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 रिसीव कर पाए जितना आपने एक्सपेक्ट किया था. अब हमारे सामने चैलेंजेस क्या है, आप हम एक मान लीजिए कोई भी एआर का हमारा सेंटर है, अहमदाबाद हो सकता है, कोलकाता हो सकता है, दिल्ली हो सकता है, वी आर
एक्टिव एंड वी आर वर्किंग इन अ गिवन ज्योग्राफिकल एरिया, उस ज्योग्राफिकल एरिया के अपने जो डेमोग्राफिक जो उसका बुनावट है, उसका जो लेयर्स है उसमें, वो बहुत डिफरेंट तरह की है। एक एक किसी छोटे एरिया में एक खास तरह की कम्युनिटी, उसकी अपनी खास बोली हो सकती है, उसकी अपनी खास रिक्वायरमेंट हो सकती है, उसके सोशल या रिलीजियस नीड्स अपनी अलग तरह की हो सकती है, लेकिन उसी ज्योग्राफिकल एरिया में और भी तरह के उस तरह के ग्रुप्स हो सकते हैं जिनकी अपनी अपनी नीड्स होती हैं, जो एक दूसरे से अलग होती हैं, डिफरेंट होती हैं। अब यहाँ इनोवेट करना है, अगर कुछ क्रिएट करना है या एक्सपेरिमेंट करना है, तो हमें जिन चीजों को ध्यान में रखने की बहुत ज्यादा जरूरत है और जो हमारा बहुत इंपॉर्टेंट रोल हो सकता है यहाँ इनोवेशन में, वो ये है कि एक एक सोशल ग्रुप में इंटरनली जो गैप्स हैं, इंटरनली गैप्स किस तरह के हैं, एजुकेशन को लेकर है, फाइनेंशियल स्टेटस को लेकर है, उनके सोशल बैकग्राउंड को लेकर है, ये इस तरह की चीजें, एक एक पर्टिकुलर ग्रुप में जो गैप्स हैं, हम उन गैप्स को भरें, इस तरह का प्रोग्रामिंग करने की कोशिश करें। क्योंकि आप छोटे छोटे ग्रुप्स के लिए अलग अलग प्रोग्राम करना पॉसिबल नहीं होता, लेकिन एक बड़े कैनवस में चीजों को इस ढंग से निट करना कि हम इनकी रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर सकें। दूसरा, एक्सटर्नल गैप्स हैं, यानी उस ज्योग्राफिकल एरिया में एक ग्रुप का और दूसरे ग्रुप के बीच में जो गैप्स हैं, जो उसको ब्रिज करने की कोशिश हमें अपने प्रोग्राम्स के जरिए से करनी चाहिए, क्योंकि यहाँ लैंग्वेज एक बैरियर हो सकता है, लेकिन कुछ कॉमन ऐसी चीजें होती हैं, क्योंकि एक ज्योग्राफिकल एरिया में बोलियां अलग अलग हो सकती हैं, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि उन बोलियों को एक दूसरे के ग्रुप के लोग ना समझते हों। मान लीजिए अगर हम लखनऊ के एरिया की ही बात करें, अगर ऑल इंडिया रेडियो के नजरिए से, तो लखनऊ में अवधी बोली जाती है, लखनऊ में आसपास भोजपुरी का बोलबाला है, दोनों सिमिलर है इस तरह से। या अगर यूपी में बुंदेलखंड है, या पश्चिमी यूपी में जो पश्चिमी खड़ी बोली बोली जाती है, वो कहीं ना कहीं इतना तो कनेक्ट करते हैं कि हम एक दूसरे की बात को समझ सकें। तो बेसिक पर्पस क्या है कि हम जो गैप है उनके इंटेलेक्ट के लेवल पे, उनके सोशल लेवल पे, एजुकेशनल लेवल पे, उन गैप्स को भरने के लिए हम किस तरह के प्रोग्राम करें, ताकि हम एक ब्रिज के तौर पर, एक सेतु के तौर पर हम अपना रोल प्ले कर पाए। तो ये चैलेंज को ध्यान में रखते हुए अपने प्रोग्राम को डिजाइन करना ये बहुत जरूरी होता है। मुझे लगता है कि एक मास मीडिया के रूप में, और वो भी पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टर के रूप में, ये बहुत जरूरी है। तो ये कुछ बेसिक चीजें हैं जो हमें ध्यान में रखनी जरूरी होती हैं। अपने चैलेंजेस भी हैं, और चैलेंजेस के साथ साथ इसमें हमें एक स्कोप भी इससे मिलता है कि हम किस दिशा में आगे बढ़ सकते हैं, हमारे लिए डायरेक्शन मिलती है कि हम क्या चीजें किस रूप में आगे रखें, ताकि हम सेतु का काम करें नेशनल। अब एक छोटा सा एग्जाम्पल ये और एक दूंगा आपको। फॉर एग्जाम्पल, दिल्ली में, अगर दिल्ली के ज्योग्राफिकल एरिया की ही हम बात करें, दिल्ली मेनली हिंदी स्पीकिंग एरिया माना जाता है अगर हम ब्रॉडकास्टिंग के लिहाज से बोले, और जिस वर्ग में आता है वो 100% उसकी आप कह सकते हैं कि हिंदी भाषा बोली पढ़ी लिखी जाने वाली भाषा सरकारी तौर पर भी। लेकिन दिल्ली में हमारे दक्षिण भारत के बहुत सारे राज्यों की बहुत बड़ी संख्या में लोग रहते हैं, तमिलनाडु से रहते हैं, कर्नाटका से रहते हैं, आंध्र प्रदेश के रहते हैं, तेलंगाना से हैं, महाराष्ट्र, इवन मतलब हर स्टेट के लोग यहाँ रहते हैं दिल्ली में। तो क्या हम कहीं कुछ ऐसा क्रिएट कर सकते हैं या इनोवेट कर सकते हैं कि कहीं कुछ अपने प्रेजेंटेशंस के जरिए हम इस जो बीच में गैप्स होती हैं एक उस खाई या दीवार को भर पाए, गिरा सके दीवार को या खाई को भर पाए। फॉर एग्जाम्पल, जैसे एक छोटी छोटी कोशिश हमने दिल्ली में भी की, FM चैनल के प्रोग्राम में इनफैक्ट की थी। एक भारत श्रेष्ठ भारत का पर्पज आप जानते हैं कि हमारा, चूंकि उसमें एक गोल है, एक बहुत इंपॉर्टेंट उसका एक आस्पेक्ट है कि हम एक जो पेयर स्टेट्स होते हैं, वो पेयर स्टेट्स के अपनी जो बोलियां हैं, भाषाएं हैं, उनको हम एक दूसरे राज्यों में किसी तरह से उनको कनेक्ट कर पाए, कुछ शब्द कुछ सेंटेंसेस हम जान पाए। अगर एग्जाम्पल के लिए अगर दिल्ली का अगर कनेक्ट जो पेयर जो है वो असम के साथ बना हुआ है, तो क्या असमी भाषा के कुछ शब्दों का इस्तेमाल किसी प्रोग्राम में कभी कभार हम अगर करते हैं, तो अब चूंकि ये चेंज भी होता रहता है, ये पेयर चेंज होते हैं, तो क्या कभी असम है, कभी तेलंगाना है, कभी तमिलनाडु है, तो इस तरह के एक एक दो दो चीजों के छोटी छोटी चीजों से, देखिए आप भले बहुत ज्यादा पूरी तरह भाषा ना सीख पाए, लेकिन एक जो कनेक्ट बनता है, जो यहाँ दिल्ली जो हिंदी भाषी क्षेत्र है उसमें जो हमारे अलग दूसरे नॉन हिंदी एरियाज के लोग जो रहते हैं, वो अगर यहाँ पर रह रहे हैं, तो उन्हें भी ये राइट है कि उनको वो चीजें
कहीं उनके अपने जो करीब हैं, भाषा बोली पहरावा कल्चर के हिसाब से, वो कनेक्ट करने के लिए उनको हम इस तरह की चीजों के माध्यम से जोड़ पाए। तो बेसिक जो डिजाइन हमें अपने इनोवेशन को लेकर बनाने की जरूरत होती है, जब आप ये डिसाइड करते हैं कि अब चार पांच कारण जो मैंने बताए कि क्यों इनोवेट करने की जरूरत है, क्यों आपको एक्सपेरिमेंट करने की जरूरत है, उसके बाद आपको ये डिसाइड करना है, क्योंकि इतना वास्ट अगर जो सोशल स्ट्रेटा की लेयर्स आपको इतनी सारी जिनके बीच में आपको काम करना है, तो आप किसके लिए करना चाहते हैं, किसके लिए करना चाहते हैं। अब इसमें तो बात यही है कि गुंजन कोई फीडबैक आ रहा है, कहीं माइक कोई ऑन है जो फीडबैक, ओके सर, आल हाँ तो ठीक है, हो गया, ठीक हो गया, मैंने देख लिया था वो। तो इसमें जब आप ये डिसाइड करते हैं तो आपको ये तय करना है कि आप किस टारगेट ऑडियंस के लिए आप करना चाहते हैं इनोवेशन, आप अपने प्रोग्राम में, प्रोडक्शन में, प्रेजेंटेशन में। कुछ चीजें जो कुछ स्पेसिफिक एरियाज के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे, लेकिन अभी जनरल हम बात करना चाहते हैं। अब इसमें आपको आप अपने ऑडियंस को अलग अलग कैटेगरीज में हम बांटते ही हैं। जैसे जनरल ऑडियंस होती है जिसके लिए जनरल नेचर के हम प्रोग्राम्स करते हैं, एंटरटेनमेंट के प्रोग्राम्स करते हैं, उसमें जनरल अवेयरनेस की चीजें होती हैं, कुछ इंफॉर्मेशन या इंफोटेनमेंट के जरिए जो एक काफी प्रचलित फैक्ट स्टाइल है, उसमें गाने भी हैं, कुछ इसमें इंफॉर्मेशन भी हैं, कुछ उसमें बातचीत भी हम फोन के जरिए कर लेते हैं या गेस्ट बुलाकर बातचीत करते हैं और उसके उसके साथ साथ हम गाने प्ले करते हैं। तो ये इंफोटेनमेंट का एक फॉर्मेट है जिसको हम आमतौर पर बहुत ज्यादा यूज भी कर रहे हैं, वो जनरल ऑडियंस के लिए होती है। लेकिन उसका फायदा क्या है कि जनरल ऑडियंस में दो तीन चीजें उसमें है, अगर हम एफएम प्लेटफॉर्म पे कर रहे हैं या इवन हम अगर किसी और भी चैनल के जरिए कर रहे हैं अपने, एक तो ये है कि आपको जानकारी भी साथ साथ आप पहुंचा रहे हैं, आप गाने भी प्ले कर रहे हैं, और एक और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि लिसनर आपके साथ सीधे लाइव कनेक्ट है। लाइव इन द सेंस कि वो एक इंटरैक्टिव प्लेटफॉर्म आपके लिसनर को आप अवेलेबल कराते हैं, वहां वो फोन भी कर सकता है अगर आप उसका ऑप्शन रखते हैं, या कम से कम वो एसएमएस भेज सकता है, एसएमएस भेजकर वो अपनी बात कर सकता है, इवन वो मेल कर सकता है उसी टाइम पर, और आप उसी टाइम पर उस मेल को शामिल कर सकते हैं। इसके अलावा इससे आगे भी कुछ चीजें हैं जो आप कर सकते हैं, उसके बारे में भी हम फर्दर डिटेल में बात करेंगे, लेकिन अभी जनरल ऑडियंस के लिए जो जनरल प्रोग्राम है इंफोटेनमेंट के वो है। इसके बाद हमारे आते हैं हमारे प्रोग्राम के जो डिजाइन है ओवरऑल, उसमें जो स्पेसिफिक ग्रुप्स के लिए हम प्रोग्राम करते हैं, टारगेट ऑडियंस के लिए प्रोग्राम करते हैं, उसमें हमारे फार्मर्स हैं, हमारे किसान हैं, किसानों में भी अब अलग अलग कुछ कैटेगरीज हम बना लेते हैं, या वुमेन प्रोग्राम है, चिल्ड्रन प्रोग्राम है, वुमेन में भी आप शहरी औरतों के लिए अलग है, महिलाओं के लिए, गाँव के महिलाओं के लिए अलग है, क्योंकि उनकी रिक्वायरमेंट्स अलग अलग है। तो इस हिसाब से हम उनके लिए प्रोग्राम को डिजाइन करने का प्लान करते हैं और इसमें इनोवेट करने की कोशिश करते हैं। चिल्ड्रन प्रोग्राम में भी इसी तरह की चीजें शामिल हैं, स्टूडेंट्स के लिए प्रोग्राम्स हैं, टीचर्स के लिए प्रोग्राम्स हैं, ये बहुत सारे अलग अलग टारगेट ऑडियंस है, ग्रुप्स हैं जिसको टारगेट करके हम प्रोग्राम अपना डिजाइन करते हैं। उद्योग पत्रिका जैसे एक कार्यक्रम दिल्ली से होता है, बाकी जगह भी होता है, वो इंडस्ट्रियल वर्कर्स को लेकर प्रोग्राम होता है, उस तरह के फॉर्मेट से जिस पर हम इनोवेट करने की कोशिश कर सकते हैं, करना चाहिए। दरअसल मेरा ये मानना है कि कुछ चीजें ऐसी हैं जो ऑलरेडी बेहतर हो रही हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम रेडियो ड्रामा की बात करते हैं तो रेडियो ड्रामा में कुछ बेसिक जो उसके एलिमेंट्स हैं उसको लेकर हम एक अच्छा काम कर रहे हैं, वो क्रिएटिव माध्यम क्रिएटिव एक प्लेटफॉर्म है रेडियो ड्रामा, फीचर इसी तरह का एक प्लेटफॉर्म है। लेकिन जो स्पेशल जो प्रोग्राम्स हैं हमारे स्पेशल टारगेट ग्रुप्स के लिए जो हम फोकस करके करते हैं, उनमें हम मुझे लगता है क्योंकि वो फॉर्मेट्स ऐसे हैं जो लगभग 40 साल 50 साल 30 साल 35 साल वो उसी ढर्रे पर चले आ रहे हैं, उसी तरह की चीजें उसमें हम कर रहे हैं, जिसकी वजह से वो बहुत स्टेल बहुत मोनोटोनस हो गए हैं, बोरिंग हो गए हैं, और उसको मुझे लगता है कि वाकई आज की तारीख में सिर्फ हम कहते हैं कि यंगस्टर्स की बात नहीं कर रहा हूं मैं, बाकी मेच्योर लोग भी शायद बहुत ज्यादा सुनना पसंद ना करें, वो इसलिए ना करें क्योंकि अब जितना मीडिया जितने तरह के माध्यमों से उनके पास चीजें आ रही हैं, उनका टेस्ट बदल गया, उनकी रुचि बदल गई, उनकी प्रायोरिटीज बदल गई हैं, उनकी अपनी जो थिंकिंग लेवल है, उनका अपना इंटेलेक्ट लेवल है, वो चेंज हो गया है। तो अब उन चीजों को ध्यान में रखते हुए अगर आप नहीं करेंगे उसमें इनोवेट इस तरह के प्रोग्राम्स में, तो फिर हम वहां कहीं ना कहीं फेल करते हैं और वो चीजें वहां तक नहीं पहुंच पाती हैं। तो टारगेट
ग्रुप्स को लेकर जो हमारे स्पेशल ऑडियंस प्रोग्राम है उन स्पेशल ऑडियंस प्रोग्राम में बहुत ज्यादा जरूरत है। स्कोप की बात तो बाद में आती है, आज बहुत ज्यादा जरूरत है कि हम उसमें उसमें इनोवेट करें, उसमें कुछ नई चीजें नए ढंग से डालें। क्योंकि अभी देखिए आप, मुझे लगता है कि ज्यादातर जगहों पर जो मैंने देखा है, मेरी एक सीमा हो सकती है क्योंकि मैं हर स्टेशन पे हर ब्रॉडकास्ट को नहीं सुन समझ सकता, लेकिन अब कंपोजिट जो प्रोग्राम्स हैं, महिलाओं के प्रोग्राम है, किसान भाइयों के लिए प्रोग्राम है, ग्रामीणों के लिए, इंडस्ट्रियल वर्कर्स के लिए, या साइंस का हम अलग से प्रोग्राम करते हैं, लैंग्वेज बेस्ड हमारे प्रोग्राम्स होते हैं, पंजाबी है, उर्दू है, ब्रज है, अब उसमें कुछ सिंपल से फॉर्मेट्स बने हुए कि आप एक टॉक लगा देंगे, टॉक कभी यहां तक भी मैंने देखा कि 20-20 मिनट की एक टॉक लग जाती है। अब एक आदमी 20 मिनट के चंक में 18 मिनट अगर सिर्फ कुछ बोलता है और उसके बोलने का ढंग बहुत अच्छा नहीं है, इवन अच्छा भी हो तो भी आई कांट बिलीव कि कोई सस्टेन कर सकता है उसको उतनी देर के लिए। इसी तरह से डिस्कशन, कोई लंबा डिस्कशन हमने लगा दिया, वो भी एक प्रॉब्लम होती है क्योंकि स्पोकन वर्ड की अपनी एक लिमिट है और उस स्पोकन वर्ड को कितनी देर कोई सुनेगा ये बहुत मुश्किल और बहुत चैलेंजिंग होता है। इवन कोई कहानी है, आपने कहानी लगा दी और कहानी जो है वो अच्छी तरह से नहीं पढ़ी जा रही है तो कोई क्यों सुनेगा उसको। कहानी में कितना दम है ये तो बाद में पता लगता है, लेकिन कहानी कैसे कही जा रही है, कैसे उसको प्रेजेंट किया जा रहा है, इस पर ये डिपेंड करेगा कि कोई सुनेगा कि नहीं सुनेगा। अब कोई नहीं सुनेगा अगर उसकी रुचि नहीं उसमें पैदा होगी, इफ ही और शी इज नॉट इंटरेस्टेड इन लिसनिंग टू दैट स्टोरी देन व्हाट इज द यूज ऑफ ब्रॉडकास्टिंग दैट स्टोरी। तो इसलिए ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है कि हम इन चीजों में बदलाव लाएं। बदलाव कैसे लाएं, क्योंकि एक बात मैं मानता हूं कि आप सभी फ्रेंड्स जो भी हैं जहां भी काम कर रहे हैं उसमें बहुत सारे पुराने एक्सपीरियंस लोग हैं जो अपने अपने जगह पे बहुत कुछ नया कर रहे हैं, आई नो दैट, लेकिन हम एक दूसरे को शेयर नहीं कर पाते हैं वो चीजें। मुझे लगता है कि हम इस पे आज थोड़ी चर्चा हम ज्यादा इस पर रखेंगे इंटरेक्टिव होकर कि आप लोग जो अपने अपने जगह पे इनोवेट कर रहे हैं वो भी हम एक दूसरे के साथ यहाँ शेयर करें, क्योंकि इनोवेशन या क्रिएटिविटी या इमेजिनेशन की सबकी अपनी अपनी लिमिट्स हैं, लेकिन वो अगर हम शेयर करते हैं तो वो हम कई मल्टीप्लाई कर लेते हैं उसको, अपनी कैपेसिटी को कई गुना ज्यादा। मेरी अपनी लिमिट है, मेरी अपनी समझ की एक सीमा है इनोवेशन की या इमेजिनेशन की, लेकिन हम जब शेयर करते हैं चीजों को तो हम सब एक दूसरे को बहुत हेल्प करते हैं और एनरिच करते हैं इस मामले में, तो उस पर हम थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। अब एक फैक्टर जो इनोवेट करते हुए प्रोग्राम्स को लेकर जो मुझे लगता है कि बहुत इंपॉर्टेंट है वो है टेक्नोलॉजी की जरूरत और या टेक्नोलॉजी की अवेलेबिलिटी जो है हमारे पास क्या है। क्योंकि आप फॉर्मेट जब डिसाइड करेंगे, कंटेंट को आप डिसाइड करेंगे कि किस फॉर्मेट में किस स्टाइल में आपको प्रेजेंट करना है, उसमें टेक्नोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। आज आपके पास टेक्नोलॉजी के रूप में ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, ऐसे प्लेटफॉर्म हैं जो आपको बहुत बड़ा एक एरिया देते हैं काम करने का, स्कोप देते हैं एक्सपेरिमेंट करने का, इनोवेट करने का, और उस एरिया को आपको समझना भी बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर आप उसको समझते नहीं है तो मेरा ख्याल है कि आप उसको फिर बहुत बेहतर तरीके से इस्तेमाल उसका नहीं कर पाएंगे। इसलिए टेक्नोलॉजी को समझकर उसका इस्तेमाल करने की जरूरत बहुत ज्यादा है। अब इसमें टेक्नोलॉजी को समझने के लिए आप जानते हैं कि आजकल डिजिटल प्लेटफॉर्म जो है एक बहुत बड़ी ताकत है ब्रॉडकास्टिंग की हमारे सामने और हमारे पास। उस डिजिटल प्लेटफॉर्म को हम, वो कितना वास्ट है, कितने उसमें लेयर्स हैं, कितनी तरीके से हम उसका इस्तेमाल कर सकते हैं और क्या क्या उसमें संभावनाएं हैं। फॉर एग्जाम्पल, रेडियो की अपनी एक लिमिट, एक सीमा रही है। आप देखिए, रेडियो मतलब प्रिंट मीडिया में आपके पास अखबार आता है, मैगजीन आती है, तो आप उसको पढ़ते हैं, रख देते हैं, बाद में फिर आप उसे पढ़ सकते हैं जब आपकी इच्छा हो, जब आपकी जरूरत हो। लेकिन ऑडियो मीडियम में, रेडियो में एक प्रॉब्लम ये रही है कि आप एक बार जो आपने बोला एयर पे गया और जाने के बाद अगर उस समय किसी ने उसको नहीं सुना या ध्यान से नहीं सुना या नहीं समझ पाया तो फिर दोबारा उसके पास वो चीज नहीं अवेलेबल हो पाती। तो ऐसे में एक बहुत एक समस्या रेडियो के लिसनर के सामने रहती है कि अब वो क्या करे, उस बात को दोबारा कैसे सुने। बहुत बार आपके साथ श्रोता इस बात को, लिसनर इस बात को कहते होंगे कि हम ये प्रोग्राम दोबारा कैसे सुन सकते हैं, हम ये प्रोग्राम और किस जरिए से सुन सकते हैं, क्योंकि उनके सुनने की इच्छा होती है। तो ऐसे में डिजिटल जो प्लेटफॉर्म है
सोशल मीडिया के हों या तमाम अलग अलग मीडिया के, वो आपके सामने ये एक बड़ा कैनवस देते हैं कि आप आज और अभी जो ब्रॉडकास्ट कर रहे हैं प्रोग्राम, उस प्रोग्राम को वो वहीं खत्म नहीं हो, वो प्रोग्राम बाद में अवेलेबल हो किसी भी किसी न किसी प्लेटफॉर्म पे और लिस्नर उसको सुन पाए जब उसकी इच्छा हो, जब उसके पास समय हो या जब उसको जरूरत हो, वो अपनी सुविधा से उसको सुन पाए। डिजिटल मीडिया ने, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स ने, चाहे वो फेसबुक हो, यूट्यूब हो, जिसको हम यूज कर रहे हैं, तो उसके उसने ये बहुत बड़ा एक स्कोप दे दिया, सपोर्ट दे दिया है कि आप आज ही नहीं बाद में भी सुने जा सकते हैं। हमारे बहुत सारे प्रोग्राम्स हमारे यूट्यूब चैनल्स हैं, बहुत सारे स्टेशन के चैनल्स हैं, फेसबुक पर हम अवेलेबल हैं या होते हैं या हो सकते हैं या होना चाहिए। जहां आप अभी भी हैं, लाइव हैं, लेकिन आप बाद में भी होंगे जब कोई देखना या सुनना चाहेगा। अब वो एक उसकी आर्काइवल वैल्यू बन गई है जो हमेशा के लिए वो वहां रहेगी, अवेलेबल रहेगी और वो कोई भी कभी भी उसको सुन सकता है। तो एक तो ये सबसे बड़ा फायदा है और इस लिहाज से हम चीजों को प्लान कर सकते हैं, डिजाइन कर सकते हैं। लेकिन इसमें ये भी बात है, क्योंकि रेडियो में जो प्रेजेंटर है, जो प्रस्तोता है, जो प्रोड्यूसर है, वो माइक के पीछे, उसकी आवाज जाती है, उसका चेहरा नहीं कहीं जाता, उसका चेहरा किसी लिसनर के पास नहीं जाता। अब उसका ये फायदा जरूर है, ये लोग कहते रहे कि भाई ठीक है, सभी अपने अपने हिसाब से उसकी इमेज बना लेते हैं आवाज के हिसाब से। लेकिन अब जो डिजिटल प्लेटफॉर्म ने आपको ये सपोर्ट दे दिया है और ये आपको संभावना दे दी है कि आप चाहें, और चाहे नहीं बल्कि चाहन आपको करना चाहिए, कि आप ऑडियो प्लेटफॉर्म के साथ साथ अपने प्रेजेंटेशन का वीडियो भी आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, चाहे वो यूट्यूब हो, चाहे वो फेसबुक हो या और कोई मीडिया हो सकता है, उस पर आप उसको अवेलेबल करा सकते हैं। अवेलेबल हो भी रहा है। आप देखें कि जैसे रेडियो कमेंट्री, क्रिकेट की कमेंट्रीज जो चल रही है आजकल इस समय, वो चल भी रही है, उस कमेंट्री को जो यूट्यूब पर जब वो जाता है, रेडियो पर तो ऑडियो फॉर्मेट में ही जा रहा है, ऑडियो ही जा रहा है उसका, लेकिन जब यूट्यूब चैनल पर वो जा रहा है तो वहां स्टूडियो में बैठे हुए हमारे कमेंटेटर्स आपको नजर आते हैं, जो आपको देखा हाल सुना रहे हैं लाइव कमेंट्री, या जो कमेंट्री अब कितना लाइव है ये आप तय करें, लेकिन उस कमेंट्री को आप तक वो पहुंचा रहे हैं। तो जो मैच, जो खेल हो रहा है, उसको उसी टाइम फ्रेम में, उसी समय में वो आप तक उसका विवरण पहुंचा रहे हैं और वो दिख भी रहे हैं वहां वो करते हुए। इस तरह के बहुत सारे प्राइवेट रेडियो चैनल्स ने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट वो लगातार कर रहे हैं और लगातार यूज कर रहे हैं। और इसका एक बहुत बड़ा फायदा ये भी है कि जब आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, यानी फेसबुक पे, यूट्यूब पे, जब आप उसी टाइम में अवेलेबल होते हैं जब आप रेडियो पे भी अवेलेबल हैं, आपको इंस्टेंट फीडबैक मिल रहा है, कमेंट्स मिल रहे हैं, सजेशंस मिल रहे हैं। आप उसी समय देख सकते हैं कि कौन, कितने लोग आपको सुन रहे हैं या देख रहे हैं, कितने लोग कौन कौन क्या क्या कमेंट कर रहा है या कुछ सजेशन दे रहा है या कोई उसकी अपनी रिक्वेस्ट आ रही है। तो इस तरह से एक बहुत लाइवली और इंटरैक्टिव प्लेटफॉर्म जो है क्रिएट होता है। इस बहाने आप उसी टाइम में उन लिसनर्स की रिक्वायरमेंट को ध्यान में रखते हुए चीजों को अपने इंस्टेंटली प्लान कर सकते हैं, अपनी प्रेजेंटेशन को उसको दिशा दे सकते हैं। क्योंकि हमारे सिस्टम में अभी तक एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम रही है कि जो फीडबैक की प्रॉब्लम रही है, फीडबैक के तौर पर हमारे पास कोई मजबूत आधार नहीं है। अगर जो आप कह सकते हैं कि जो SMS वगैरह आते हैं हमारे प्रोग्राम्स के जरिए में, जो लाइव प्रोग्राम्स में आते रहते हैं, उसकी कुछ लोग, हर स्टेशन के साथ ये समस्या हो सकती है कि कुछ सीमित लोग हैं जो हर प्रोग्राम में पूरे दिन अपने नाम भेजते रहते हैं, SMS भेजते रहते हैं और एक्सपेक्ट करते हैं कि वो आए। लेकिन अगर हम उसका उस बेस को बढ़ा सकें, उस बेस को और वाइडन कर सकें, तो हम पॉसिबिलिटी उसमें है कि जेन्युइन लोग, अच्छे लोग, बौद्धिक लोग भी उसमें जुड़े और जुड़कर अपने कमेंट्स या अपने सजेशंस भेजें कि अगर हम उसको पूरा कर सकते हो तो। तो इस तरह से एक जो हमारा ट्रेडिशनल तरीका फीडबैक करा है, चिट्ठियां आती रही हैं, चिट्ठियों की गणना होती रही है, वो पुरानी बातें हो गई। अब कहीं चिट्ठियां नजर नहीं आती हैं। जो ईमेल के जरिए चीजें आती हैं, SMS के जरिए चीजें आती हैं, उसका कोई, उसकी कोई कैलकुलेशन, उसकी गणना, उसकी कैटेगराइजेशन या ये कहीं कुछ उसकी चीजें नजर नहीं आती जिसके बेसिस पे हम कुछ अंदाजा लगा सके। ऑडियंस रिसर्च यूनिट जो है हमारी, जो वो रिसर्च करने का उसका अपना एक तरीका है, मेथड है उसका। उस मेथड से इंस्टेंट चीजें हमारे पास फीडबैक नहीं आ पाता, वो किसी पर्टिकुलर गिवन टाइम में उन चीजों को किसी एरिया में जाके कुछ लोगों को, कुछ ग्रुप्स को सिलेक्ट करके उनसे वो अगर फीडबैक लेते हैं, सजेशंस लेते हैं, वो
चीजें एक ऐसी चीजें हैं जो आपको तुरंत उसका फायदा नहीं मिलता, ना उसको आप तुरंत यूज कर सकते हैं। तो ऐसे में डिजिटल प्लेटफॉर्म आपको एक बहुत बड़ा एक सपोर्ट देता है कि आप उसको तुरंत उसी टाइम में इंस्टेंटली आप जो लिस्नर है उसकी रिक्वायरमेंट को पूरा कर सकते हैं और उस रिक्वायरमेंट के हिसाब से अपने प्रोग्राम को डिजाइन कर सकते हैं। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि जो एक फॉर्मूला या सोच हमारी थी कि हम ये डिसाइड करेंगे कि हम किस तरह से एंटरटेन करें, किस तरह से इंफॉर्म करें, किस तरह से एजुकेट करें, इसकी बजाय मतलब हम उन्हें ये देंगे, इसकी बजाय उनकी जरूरत क्या है, उनकी एक्सपेक्टेशंस क्या है, इसको हमें ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। क्योंकि अपने टारगेट ऑडियंस की या जिसके लिए जनरल ऑडियंस भी हो सकती है कि अगर हम उसकी जरूरत को नहीं समझ रहे हैं, उसकी बैकग्राउंड का नॉलेज हमारे पास नहीं है, उसकी एक्सपेक्टेशंस को हम नहीं समझ पा रहे हैं, तो हम उसको बहुत अच्छे से उसको कनेक्ट नहीं कर पाए, जोड़ नहीं पाएंगे अपने साथ। और आज एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है जो हम अपने प्रेजेंटेशन रेडियो प्रेजेंटेशन या प्रोडक्शन में जो जनरल नेचर की प्रोडक्शंस होती हैं उसमें हमें करना चाहिए दरअसल, क्योंकि तीन चीजें जो हम बात करते हैं कि एजुकेट करना, इन्फॉर्म करना, एंटरटेन करना, इन तीन चीजों से आगे उसके एक्सपेक्टेशंस जो हैं हमारे लिसनर की कुछ और भी हैं, और वो ज्यादा है मुझे लगता है, क्योंकि लिसनर्स आज कुछ तुरंत अपने कोई लाभ चाहता है। आप उनको इन्फॉर्म करते हैं वो एक ठीक है, उसके अंदर उसकी कुछ अवेयरनेस आएगी, जानकारी आएंगी, उसको कुछ ज्ञान बढ़ेगा, आप उसको एजुकेट भी कर रहे हैं, अब वो कितना हो रहा है कितना नहीं हो रहा है एक अलग इशू है, एंटरटेन कर रहे हैं वो बात अपनी जगह है, लेकिन हम उसके जीवन को बेहतर बनाने के लिए क्या कर रहे हैं, बेहतर इन द सेंस कि हम उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करने के लिए, इंस्टेंटली उसकी जो प्रॉब्लम्स हैं उसको दूर करने के लिए, या उसके उसको जो ईज ऑफ लिविंग है उसको सपोर्ट करने के लिए हम क्या चीजें कर पा रहे हैं एज ए मीडिया, मास मीडिया, पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टर। ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है जिसको मुझे लगता है कि हमें अपने लेवल पर, अपने प्लेटफॉर्म पर जरूर इसको सोचना चाहिए और करना चाहिए। इस मामले में मुझे लगता है कि प्राइवेट रेडियो चैनल्स ज्यादा एक्टिव हैं और ज्यादा वो इन्वॉल्व हैं, ज्यादा इस मामले में वो कोशिश भी कर रहे हैं, क्योंकि वो पब्लिक के बीच में जाके उनकी प्रॉब्लम्स को उनके ढंग से डिस्कस करते हैं, बातें करते हैं। वो कुछ जो कहते हैं कि हमारे हमें ये दिक्कत हो सकती है कि हमारे इतनी सारी चेन्स हैं, इतने सारे लेवल्स हैं चीजों के डिसीजन मेकिंग में, जिसकी वजह से वो चीजें नहीं हो पाती, या बहुत सारी हमारी जो लिमिटेशंस हो सकती हैं। लेकिन मैं एक एग्जांपल आपको देता हूं, इलाहाबाद का एक प्राइवेट चैनल है। अब इलाहाबाद के पास एक गाँव है, थोड़ा सा दूर उससे, जमुना के उस पार किनारे हटके, उस गाँव में पिछले 70 सालों से बिजली नहीं आई थी। मैं पिछले जनरल इलेक्शंस की बात कर रहा हूँ, आप उस पीरियड की बात कर रहा हूँ, ये 2019 की बात है। 70 सालों से उस गांव में बिजली नहीं थी, और उस बार उस गांव के लोगों ने ये डिसाइड किया कि हम टोटल बायकॉट करेंगे इलेक्शन का, पोलिंग का, और हम वोट नहीं डालेंगे, क्योंकि उनको कभी कोई सुनवाई नहीं हुई। पहले लोगों ने प्रॉमिसेस किए, लोगों ने कहा, लेकिन किसी ने उसको जीतने के बाद, चुनाव के बाद किसी ने बॉदर नहीं किया, कोई देखने भी नहीं आया कि क्या हुआ। वहां इलाहाबाद के एक प्राइवेट चैनल ने, वहां के एंकर ने, एक्टिव थे और इस तरह की चीजों को उसने काफी टेकअप किया था, तो वो एंकर उस गांव में पहुंचा और उस गांव के लोगों से बात की और उस गांव के लोगों को ये एश्योरेंस दिया कि हम इसकी कोशिश करेंगे कि आपके गांव में बिजली आए और इलेक्शन से पहले आए, और लोगों से बात की, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से बात की और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से बात करके इसको इंश्योर किया, क्योंकि ये बड़ा इशू बन सकता था, तो एडमिनिस्ट्रेशन भी इसको चाहता था कि ये चीजें सेटल हो जाएं जितनी जल्दी हो सकता है। और यकीन मानिए कि उस गांव में ये कोशिश जो थी उस रेडियो नेटवर्क के, उस रेडियो स्टेशन के जरिए उसकी कोशिश सफल हुई, उस गांव में बिजली आई, और उस गांव में फिर बाद में भी एक जब क्रिकेट मैच चल रहा था उस उन दिनों कोई, और उस समय वही एंकर जाके उन लोगों के साथ उनके घरों में बैठ के उसने टीवी पर, बिजली जहां लगी हुई है, टीवी पर उसने उस मैच को देखा लोगों के साथ, और लोगों से इंटरेक्ट किया, बात की। तो ये पूरी सीरीज उसने चलाई अपने चैनल पे, और उस सीरीज का एक जो रिजल्ट निकला वो ये निकला कि उस गांव में बिजली आई, ये कुछ छोटी बात नहीं थी। तो इस रूप में हम अगर उपयोगी हो सकते हैं लिसनर के लिए, सोसाइटी के लिए, किसी सोसाइटी के किसी ग्रुप के लिए जिसकी कुछ अपनी प्रॉब्लम्स है, इस तरह के और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। एक छोटा सा ये एक एग्जांपल मैंने आपके साथ शेयर किया, वहां के लोकल बहुत सारी दिक्कतें थी, उनमें भी वो पूरी सीरीज इस तरह की करते रहे हैं। तो ये सारी चीजें जो रेडियो के लिए की, रेडियो पर की, लेकिन एट द सेम टाइम ये सारी की सारी चीजें फेसबुक पर भी
वो करते रहे, अवेलेबल रहे, और फेसबुक पर जाने से उसका इफेक्ट जरा ज्यादा, उसकी रीच ज्यादा हो जाती है और कम से कम चीजें वायरल भी होती हैं, एडमिनिस्ट्रेशन तक वो चीजें जाती हैं। आप उनको अगर उसको ट्वीट के जरिए भी लेते हैं, इंस्टाग्राम पे लेते हैं, आप यूट्यूब पे लेते हैं, तो जाहिर सी बात है कि कहीं ना कहीं से बातें वहां तक पहुंचती जरूर है। तो इस तरह से अगर हम लोगों के जीवन में कुछ बेहतर बनाने की सोच के साथ कुछ करना चाहें और तो कर सकते हैं, हमारे पास बहुत मजबूत प्लेटफॉर्म है और कोशिश में हमारी यही होनी चाहिए कि हम ये चीजें ध्यान में रखते हुए करें। ये डिजिटल प्लेटफॉर्म ने हमें ये तो ये सुविधा तो दी ही। आजकल पॉडकास्टिंग बहुत पॉपुलर हो रहा है, बहुत तेजी से बढ़ फैल भी रहा है और उसमें चाहे वो हमारे तमाम अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन है मास मीडिया के, इसके अलावा रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन हो सकते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज हो सकती हैं, इवन वेटिकन रेडियो जो रोम वेटिकन सिटी से चलता है, 15 भाषाओं में वहां से वहां की पोप की न्यूज, पोप के स्पीचेस, ये सारी चीजें वहां से पॉडकास्ट पर अवेलेबल होती हैं। तो ये भी एक प्लेटफॉर्म है जहां अपनी चीजों को हम अवेलेबल करा सकते हैं, लिसनर आपका जब चाहे जिस समय चाहे सुनना चाहे वो उसको सुन सकता है। देखिए एक इन सारी चीजों को करते हुए मुझे लगता है कि एक बात हमें ध्यान में रखने की जरूरत है, पर्सनली मुझे लगता है कि हम ये सब करते हुए अपने ट्रेडिशनल मोड ऑफ ट्रांसमिशन जो प्रेजेंटेशन है यानी रेडियो का, रेडियो सेट के जरिए जो चीजें जा रही है ट्रेडिशनल मोड में, उसको इग्नोर ना करें लेकिन उसको एड ऑन करें इस तरह के प्लेटफॉर्म्स के जरिए, क्योंकि बहुत बड़ा तबका हमारे समाज का ऐसा है जो वो ट्रेडिशनल जो ट्रांजिस्टर है उसको लेकर इमोशनल भी है, दरअसल मैं कहूंगा क्योंकि इमोशनल उसको अच्छा लगता है कि वो रेडियो सेट के साथ बैठ के उसको सुनता है, आप थोड़ी क्वालिटी भी उसकी बेहतर होती है, मोबाइल से भी क्वालिटी आजकल बेहतर होती है, हेडफोन लगा के अगर आप सुनते हैं तो बहुत ही अच्छा लगता है, लेकिन रेडियो में हेडफोन की अपनी लिमिटेशन हो सकती है सुनने सुनते हुए, या मोबाइल पर उसकी क्वालिटी की लिमिटेशन कुछ हो सकती है, लेकिन वो ट्रेडिशनल तौर पर जो सुनने वाला हमारा लिसनर है वो उस रूप में भी सुनना चाहता है, तो वो उसके लिए भी हम उसी रूप में अवेलेबल रहे जैसे पहले रहे हैं, लेकिन नए शैली, नए ढंग, नए इनोवेशन या नए एक्सपेरिमेंट के साथ हम उसको उसके लिए अपनी अवेलेबिलिटी बनाएं। और इन प्लेटफॉर्म्स पर जिसको कहते हैं कि यूथ ज्यादा पसंद करता है, या उनके लिए जिनके लिए जो लोग उस पर्टिकुलर समय में अगर 8 बजे किसी ने समाचार नहीं कोई सुन पाया तो अब उसको फिर 9 बजे तक का इंतजार करना पड़ेगा, तो उसके बजाय अगर अब अवेलेबल भी है आजकल, तो यही चीजें अगर हम अपने वेब प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल कराते हैं, पॉडकास्ट के जरिए अवेलेबल कराते हैं, अपनी वेबसाइट पर अवेलेबल कराते हैं, तो उसके लिए इजी हो जाता है, वो उस चीज को कभी भी अपनी सुविधा के हिसाब से, अपनी जरूरत के हिसाब से या अपनी इच्छा के हिसाब से सुन सकता है। तो इन चीजों को ध्यान में रखते हुए अपनी प्रेजेंटेशंस में हम बहुत सारी चीजें ऐड कर सकते हैं, करना चाहिए। हम रेडियो ऐप आप देखते ही हैं, रेडियो ऐप जो है उस पर भी हमारी अवेलेबिलिटी है, एक मिनट, तो उस रूप में रेडियो ऐप पर भी चीजें हैं। एक प्लेटफॉर्म जो आजकल कोशिश भी हो रही है और बहुत यूजफुल है, ये है कि मैं ये सारी चीजें इसलिए ये कहना जरूर चाहूंगा बार बार कि ये रिप्लेस नहीं कर सकती ट्रेडिशनल जो हमारा ट्रांजिस्टर का सिस्टम है फिलहाल के लिए, क्योंकि उसको रखते हुए, उसको भी पूरा तवज्जो देते हुए, इंपॉर्टेंस देते हुए, उसको लाइमलाइट पर रखते हुए हमें अल्टरनेट जो प्लेटफॉर्म्स हैं उनको यूज करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल DRM का जो डिजिटल रेडियो मंडल, ये प्लेटफॉर्म है जिसमें बहुत सारा स्कोप है आपका, आप इसमें AM से लेके FM तक का लेके या टेक्स्ट, वीडियो, ऑडियो, इन सारी चीजों में, सारे तरीकों में आप वहां पर अपनी सूचना दे सकते हैं। इमरजेंसी के समय इसका बहुत बड़ा रोल है, नेशनल डिजास्टर के समय कोई आपदा है अगर, तो उस पीरियड में DRM बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका निभा सकता है। इसी तरह से वेब रेडियो, वेब रेडियो की भी अपनी एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। 19th century में इसकी लगभग mid-19th century इसकी शुरुआत USA में हुई थी, और टेरेस्ट्रियल जो रेडियो स्टेशन है उसके साथ साथ वेब रेडियो की शुरुआत हुई थी, और उसमें जो एक फायदा था जो हम फेसबुक या यूट्यूब पर आज जिस फायदे की बात कर रहे हैं, उस समय वेब रेडियो पर भी यही फायदा मिलता था कि आपने वही प्रोग्राम अपना अगर अपने इंटरनेट के वेब के प्लेटफॉर्म पर डाला है तो उस मोमेंट के बाद भी एक तो यह है कि साइमल्टकास्ट होगा, उसी टाइम वो वेबकास्ट पर अवेलेबल होगा, वेबसाइट पर आपके अवेलेबल होगा, और उसके बाद भी वो वहां अवेलेबल रहेगा
एक तो फायदा ये है, दूसरा फायदा ये है कि आप वहां पर इंस्टेंट जो लोगों के कमेंट्स आ सकते हैं, फीडबैक मिल सकता है, वो आपको तुरंत का तुरंत मिलता रहता है। तो इस तरह से, और वेब रेडियो इंडिपेंडेंटली भी चलता है, लेकिन और इस समय और भी बहुत सारे नए नए उसमें एक्सपेरिमेंट्स हो रहे हैं, लेकिन ये कुछ बेसिक चीजें हैं जो अलग अलग प्लेटफॉर्म के जरिए हम अपना यूज करते हैं और यूज करके उनका लाभ लेना चाहिए। अब मुझे थोड़ा सा इसको इस एस्पेक्ट को मैं वाइंड अप करते हुए, मैं चाहता हूँ कि कुछ ऐसे हमारे स्पेशल ऑडियंस प्रोग्राम्स हैं जिसमें मुझे लगता है कि इमीडिएटली हमें बहुत कुछ करने की जरूरत है, बहुत कुछ उसमें इनोवेट करने की जरूरत है उसको उसमें उस उन फॉर्मेट्स में, क्योंकि जिस तरह से हम मैं बात कर रहा था कि लंबी लंबी वार्ताएं, लंबे डिस्कशंस, इन सब चीजों का जमाना अब है नहीं, क्योंकि इतना पेशेंस किसी में है नहीं कि वो बैठकर वो सुनेगा। और आजकल जब हम कहते हैं कि डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ ब्रॉडकास्टिंग जो हुआ है, उसमें यूथ हो या लिसनर हो, कोई भी किसी भी टारगेट ग्रुप का लिसनर हो, जो उसकी डिमांड है, आपको उसके हिसाब से उसकी उसकी इच्छा की चीजें जनरलाइज करके आप उसको अवेलेबल करानी है, जो हमारा अपना कोड है, हमारी अपनी गाइडलाइंस है उसके अंदर रहते हुए, तो तब तो और इंटरेस्टिंग तरीके से, तब वो जरूर उन चीजों को सुनेगा और उन चीजों से वो कनेक्ट भी होगा। तो इसलिए वो बहुत जरूरी है। इसमें दो तीन जो फॉर्मेट्स हैं हमारे पास स्पेशल ऑडियंस के, वो उस पर जरूर मैं बात करना चाहूंगा। और उसमें एक जो रिसेंटली कोविड के पीरियड में भी जिसको हमने बहुत देखा कि कितने अहमियत है उसकी, वो हमारा एजुकेशनल ब्रॉडकास्ट को लेकर है। एजुकेशनल ब्रॉडकास्ट, इनफैक्ट स्कूल ब्रॉडकास्ट, एजुकेशनल ब्रॉडकास्ट, ये पहले होता रहा है स्टेशंस के पास, ये पूरा चंक हुआ करता था। नेशनल लेवल पर डायरेक्टरेट में भी इसका एक पूरा यूनिट था, जो स्कूलों के साथ मिलकर इस तरह की कोशिश करता था कि जो सिलेबस है, कैरिकुलम है, उससे रिलेटेड या जनरल सब्जेक्ट्स को लेकर भी उस पर अपना ब्रॉडकास्ट में हिस्सा ले। धीरे धीरे इसको हमने बाहर कर दिया अपने ब्रॉडकास्ट के सिस्टम से, लेकिन कोविड के पीरियड में जब देश के सामने, हमारे यंगस्टर्स के सामने, बच्चों के सामने, उनके स्टडीज को लेकर इतना बड़ा चैलेंज खड़ा हुआ कि वो स्कूल नहीं जा सकते थे, और बच्चों पर जो मोबाइल के थ्रू या स्मार्टफोन के थ्रू जो पढ़ाई का दबाव बना, उसके वजह से उनको कितना स्ट्रेस हुआ, उनका स्ट्रेस लेवल कितना बढ़ा, ये जिनके घर में बच्चे हैं उस बात को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। ऐसे में जो प्रसार भारती है उसने, और खास तौर पर रेडियो ने देखे, हिमाचल प्रदेश हो, पंजाब हो, और ऐसे तमाम स्टेट्स हैं, वहां जो एजुकेशन ब्रॉडकास्ट के थ्रू जो गैप उस समय आया स्कूल न जा पाने की वजह से बच्चों के स्टडीज में, उस गैप को भरने की बहुत महत्वपूर्ण कोशिश की, बहुत इंपॉर्टेंट कोशिश की। ये रोल बहुत ही बहुत यूजफुल था, बहुत जरूरी था, और इस रोल को हमें हमेशा याद रखना चाहिए। अब एजुकेशन ब्रॉडकास्ट में जो चीजें, एक तो हार्डकोर एजुकेशन का सिस्टम है जिसमें जो हम लेसन्स या करिकुलम की ब्रॉडकास्ट करते रहे, एक एक दूसरा हिस्सा है जो एजुकेटिव है, एजुकेशन से जुड़ा है, लेकिन वो हार्डकोर एजुकेशन का मटेरियल नहीं उसमें अब होता है, लेकिन वो फिर भी हमारे ज्ञान में बहुत वृद्धि करता है। इन दोनों के बारे में थोड़ी थोड़ी बात मैं करूंगा आपसे, क्योंकि जो एजुकेशन ब्रॉडकास्ट जो ट्रेडिशनली हम ऑल इंडिया रेडियो से करते रहे हैं, उसकी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। वो प्रॉब्लम ये थी कि यही बेसिक प्रॉब्लम तो यही थी कि हमने उसमें कुछ इनोवेट करने की कोशिश नहीं की, कुछ नयापन लाने की कोशिश नहीं की, उसमें हम फीडबैक नहीं लेने की हमने कोशिश की कि स्कूलों में अगर वो सुना जा रहा है कि नहीं सुना जा रहा है, पहली बात तो ये है, अगर सुना जा रहा है तो वो किस तरह से रिसीव किया जा रहा है, अगर रिसीव हो रहा है तो उस पर लोगों की रिएक्शन या फीडबैक क्या है। एनसीईआरटी हो या एससीईआरटी हो, उनको लेकर हमने कभी कोई एक कॉमन प्लेटफॉर्म नहीं बनाया कि हम उनके साथ बात करके, डिसाइड करके ज्वाइंट वेंचर में, या उनकी उनकी हेल्प लेकर, क्योंकि फीडबैक का जो जरिया है वो एससीआरटी के थ्रू हम अच्छी तरह से प्राप्त कर सकते हैं, जो प्रिंसिपल्स के जरिए, टीचर्स के जरिए, बच्चों के जरिए हमारे तक वो पहुंचा सकते हैं। इसी तरह एनसीईआरटी नेशनल लेवल पे है जिसको जिसकी हेल्प हम ले सकते हैं। तो इस तरह के एजुकेशन ब्रॉडकास्ट में हम बहुत कुछ है जो कर सकते हैं। आपके घरों में जो बच्चे, बहुत सारे ऐसे हैं जो प्रोफेशनल कोर्सेज के तहत पढ़ाई कर रहे होंगे, और वो आईआईटी या मेडिकल या इस तरह की चीजों के लिए एफर्ट कर रहे होंगे, कोचिंग के लिए आजकल पेमेंट बेसिस पर बहुत सारे वीडियोस अवेलेबल होती हैं। अब आप ये देखें कि हम एज बीइंग पब्लिक ब्रॉडकास्टर,
हम स्कूल एजुकेशन में या एजुकेशन ब्रॉडकास्ट में हम तमाम लेसन करते हैं, बताते हैं, चाहे वो मैथ से रिलेटेड हो, चाहे वो साइंस फिजिक्स का हो, केमिस्ट्री का हो, इतिहास का हो, भूगोल का हो. क्या ऐसा नहीं हो सकता कि हम ऐसे लेसन को ऑडियो के साथ साथ वीडियो में भी रिकॉर्ड करें? आजकल इजी है, हम करते ही हैं, बहुत सारे लोग करते हैं, और आजकल मोबाइल से करके उसको हम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे डालते हैं. क्योंकि एजुकेशन ब्रॉडकास्ट में मुझे लगता है कि जब सिर्फ ऑडियो सुनते हुए बच्चे के ऊपर स्ट्रेस ज्यादा होता है, लेकिन वो जब विजुअल में भी उसको देखता है तो वो उसके लिए थोड़ा सा स्ट्रेस उसका लेवल उसका कम हो जाता है. आप अगर हम उसी को उस लेसन को हम रेडियो पे जो ब्रॉडकास्ट हो रहा है उसको हम यूट्यूब पे भी डाल रहे हैं, उसको हम सोशल फेसबुक अपने प्लेटफॉर्म पे भी अवेलेबल करा रहे हैं, तो वहां वो सुन भी रहा है, वो देख भी रहा है, तो उसको समझने के लिए बहुत ज्यादा उसके दिमाग पे उसको जोर लगाने की जरूरत नहीं पड़ती. इस रूप में ये एक्सपेरिमेंट बहुत यूजफुल हो सकता है कि हम एजुकेशन ब्रॉडकास्ट में और खासतौर पर जो टेक्निकल सब्जेक्ट्स हैं, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, मैथ्स है, इस तरह की चीजों में, बायो है, ऐसी चीजों में हम खास तौर पर इस तरह के एक्सपेरिमेंट कर सकें, इस तरह का इनोवेशन कर सकें, और इस तरह के लेसन को इस रूप में, इस फॉर्म, अलग अलग फॉर्मेट्स में हम लिसनर तक पहुंचा सकें, तो ये बहुत यूजफुल हो सकता है और बहुत कम स्ट्रेस के साथ बच्चे तक वो जानकारी पहुंच सकती है. ये तो हार्डकोर जो हमारे सब्जेक्ट्स हैं उसके बारे में. सॉफ्टकोर में हमारे पास ऑलरेडी कुछ चंक्स हैं, प्लेटफॉर्म्स हैं, प्रोग्राम्स हैं, फॉर्मेट्स हैं जो बहुत अच्छी तरह से किए जाते हैं. नेशनल लेवल पे जो जाते हैं वो मैं जानता हूँ, नेशनल साइंस मैगजीन है. उसी तरह का एक्सपेरिमेंट कह लें या थोड़ा उसमें इनोवेशन या नए ढंग से क्रिएटिव ढंग से उसको करने की कोशिश हम अपने अपने स्टेट लेवल पर, अपने अपने केंद्रों के लेवल पर जरूर कर सकते हैं. क्योंकि अब यही नेशनल साइंस मैगजीन जो है उसमें उसका आप सुन लें, और दूसरी तरफ अगर हम साइंस ब्रॉडकास्ट लगभग काफी स्टेशनों से होता है, अगर साइंस ब्रॉडकास्ट में हम जिस तरह से चीजों को प्रेजेंट करते हैं, कैसे करते हैं हम, उसमें हम किसी टॉपिक पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे हम किसी एक व्यक्ति को बुला के उससे हम 15 मिनट 20 मिनट की बातचीत कर लेते हैं, या हम दो लोगों को बुला लेते हैं, वो आपस में कन्वर्सेशन करते हैं, 20 मिनट का एक स्लॉट भर गया. अब दिक्कत ये होती है कि इस तरह से उसमें रोचकता नहीं आ पाती. क्या ऐसा नहीं हो सकता कि हम इन चीजों के बारे में छोटे छोटे फीचर्स बना पाए, इंटरेस्टिंग तरीके से जिंगल्स बना पाए? उसमें बहुत सारी ऐसी चीजें हो सकती हैं जो आप इंटरव्यू भी अगर हम करते हैं तो उसके उसके छोटे छोटे बाइट्स को हम नरेशन के साथ उसका इस्तेमाल कर सकें. आमतौर पर जो इंटरव्यूज स्थानीय स्तर पर भी किए जाते हैं ऐसे प्रोग्रामों में जो 20 मिनट या 30 मिनट का चंक है, तो उसमें दो एक टॉक हो गई, एक इंटरव्यू हो गया, इस तरह की चीजों से उसमें उतनी देर सस्टेन करना किसी के लिए भी बहुत मुश्किल होता है. तो आप एक एग्जांपल, जैसे एक फॉर्मेट है, आपने अगर सुना हो मार्केट मंत्रा, बहुत पॉपुलर प्रोग्राम है और कई सालों से चल रहा है और बहुत ज्यादा सुना जाता है पूरे देश भर में. इसके अलावा स्पोर्ट्स स्कैन एक प्रोग्राम है. मार्केट मंत्रा की आप उसकी प्रोडक्शन को देखें, उसमें कंटेंट ही है इसी तरह का स्पोकन वर्ड का, उसमें कोई गाना और कोई एंटरटेनमेंट नहीं है, लेकिन उसकी प्रेजेंटेशन है, उसका इंट्रो म्यूजिक है, उसकी इंट्रो म्यूजिक के बाद वेलकम के साथ ही उसमें जो मार्केट से रिलेटेड न्यूज है, उसमें उसके बाद लोगों की बातचीत है एक्सपर्ट के साथ, वो बातचीत होती है बीच में, उसके न्यूज के मार्केट की क्या स्थिति है, उसमें क्या उतार चढ़ाव, क्या चढ़ा हुआ, क्या क्या हाइलाइट्स हैं उसके बारे में, इस तरह की अपडेट्स उसमें दी जाती हैं, तो उससे वो बहुत इंटरेस्टिंग और बड़ा पेसी बन जाता है. डलनेस जो है वो प्रोग्राम को, लिसनर को बांधने में और उसको रिटेन करने में बहुत बड़ी एक बाधा बन जाती है. प्रोग्राम जो है किसी भी लेवल पर, चाहे वो स्पोकन वर्ड का हो, सीरियस नेचर का हो या किसी भी नेचर का हो, वो डल नहीं होना चाहिए, मुझे ये लगता है. उसमें एक ऊर्जा हो, उसमें एक गति हो जो लिसनर को अपने अपने साथ बांध कर रख पाए. अगर वो नहीं है तो अच्छे से अच्छा कंटेंट भी आप उसको बांध कर रख नहीं पाता. तो इसलिए इस तरह के प्रोग्राम में भी, साइंस मैगजीन के प्रोग्राम में भी, उसका जो बनावट है, निटिंग है उस प्रोग्राम की, उसका जो डिजाइन है, उस डिजाइन में आप म्यूजिक उस तरह का इस्तेमाल करें, इंट्रो म्यूजिक उसका, एंडिंग म्यूजिक उसका, बीच में चेंज ओवर के लिए म्यूजिक आप इस्तेमाल करते हैं, नरेशन उसका पेसी हो, उसमें बीच में इंटरव्यूज जो हैं वो छोटे छोटे हों, फीचर्स हों, इस तरह की चीजें आप यूं समझें कि उसमें अलग अलग चीजों को लेकर जो आप जिंगल्स या उस तरह के छोटे छोटे फीचर्स बना लेते हैं, उससे इतने अच्छी तरह से उस सब्जेक्ट को आप लोगों तक पहुंचा सकते हैं. तो ये एक बहुत अच्छी चीज होगी जो एजुकेशन ब्रॉडकास्ट में,
साइंस ब्रॉडकास्ट में इन चीजों को हम इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, इनोवेट कर सकते हैं, और ये इनोवेशन बहुत जरूरी है, वरना इसके 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 अलावा और कोई ऑप्शन हमारे पास है नहीं, क्योंकि हम अगर नहीं इनोवेट करेंगे, नहीं एक्सपेरिमेंट करेंगे, तो उसकी जो लिस्नर का हमारा संख्या है वो दिन पर दिन जो है वो कम होता जाता है, ये बहुत दिक्कत है। और इसीलिए तो ये और ये चीजें अगर हम सोशल मीडिया पे भी अवेलेबल करा सके, साथ के साथ एजुकेशन ब्रॉडकास्ट में सोशल मीडिया पर अवेलेबिलिटी हमारी बहुत यूजफुल हो सकती है, ऐसा मेरा मानना है, और इस तरह से वो हमें कोशिश भी करनी चाहिए। अब अगला जो एक स्पेशल हमारा टारगेट ग्रुप होता है जिसको हम प्रोग्राम करते हैं, वो एग्रीकल्चर रिलेटेड जो ब्रॉडकास्ट है, कृषि क्षेत्र से या ग्रामीण क्षेत्र से जुड़ा हुआ ब्रॉडकास्ट, क्योंकि मुझे वहां भी लगता है कि बहुत एक्सपेरिमेंट की या नए ढंग से चीजों को करने की जरूरत है। वहां भी हम 20-30 साल पुराने आई डोंट नो, मतलब जो है वो बहुत पुराने पुराने समय की चीजें लगती हैं मुझे, चाहे वो उसका टाइटल म्यूजिक हो, सिग्नेचर ट्यून, या चाहे उसके जो फॉर्मेट है जिस तरह से की जाती हैं चीजें, उसमें भी मुझे बहुत स्कोप नजर आता है कि उसमें हमें करने की कोशिश करनी चाहिए। उसमें आपके कॉम्पियर हैं, वो कॉम्पियर कहीं कुछ ऊर्जा हो उसमें बात करने की, कहीं एनर्जी हो, ह्यूमर हो उनके अंदर बात करने की, ह्यूमर जो ऐसा हो कि जो बीच 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 में लोगों को एंटरटेन भी कर सके हल्के फुल्के ढंग से ही सही। ऐसे कार्यक्रमों में अब हम ये मान के चलते हैं कि किसान को हम सिर्फ बता देंगे, वो सुन लेगा और समझ जाएगा और उसके बाद वो उसको अपना भी लेगा, पर ऐसा होता नहीं है। एक जमाना था उसके पास ऑप्शंस भी नहीं थे, तो इसलिए वो अटेंटिव होके हमारे रेडियो सेट के पास बैठकर वो एक एक चीज को सुनता था, कई कई दिनों तक सुनता था। लेकिन वहां उस समय उसके सामने एक समस्या थी, समस्या ये थी कि अभी उसने सुना लेकिन अगले पल वो अवेलेबल नहीं है, तो वो दोबारा उसको सुन नहीं सकता था। आज इस ऑप्शन का हम फायदा ले सकते हैं कि वो बाद में भी अगर देखना सुनना चाहे तो वो देखे सुने। अगर हम किसी मतलब मान लीजिए मक्के की खेती से ही रिलेटेड कोई चीज अगर हम करना चाह रहे हैं, ये मैं तब की बात कर रहा हूँ, मुझे मालूम है कि रिसोर्सेज की बहुत बड़ी एक चुनौती है, फाइनेंशियल रिसोर्सेज भी हो सकते हैं उसमें एक बाधा बने, मैन पावर एक बाधा बन सकती है, लेकिन मैं संभावनाओं की बात कर रहा हूँ कि क्या क्या संभावनाएं हैं। तो अगर ये संभव हो, क्योंकि हम ओबी के लिए तो जाते ही हैं, तो ओबी के लिए जाते हुए अगर हम कहीं प्रोग्राम कोई कवर कर रहे हैं, तो क्या उस प्रोग्राम की हम साथ के साथ वीडियो नहीं बना सकते? अगर हम वीडियो उसके बनाते हैं, चाहे वो हम खेत कल्याण में जा रहे हैं, चाहे किसी प्रोग्राम में जा रहे हैं, चाहे किसी सेमिनार में जा रहे हैं, तो उससे उसका हम विजुअल प्रेजेंटेशन भी साथ के साथ हो सकती है, जो हम अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर डाल सकते हैं। किसानों को साइंटिफिक तरीके से चीजों को करने का जो ढंग है, नए तरीके जो आसान भी हो, इफेक्टिव भी हो, वो रेडियो से बताए गए हैं, सिखाए गए हैं उसको, लेकिन आज उसमें अगर और कुछ नई चीजें हम ऐड ऑन कर सकते हैं तो वो ये चीजें हैं। डिजिटल प्लेटफॉर्म जो हमें संभावना भी देता है उसके जरिए हम उसको कर सकते हैं। एक कुछ चीजें जो रूरल ब्रॉडकास्टिंग से जुड़ी हुई, आप देखिए हमारे देश में LRS के बारे में आप जानते ही हैं, लोकल रेडियो स्टेशंस, 80s में इसकी शुरुआत हुई थी, आज लगभग 86 सेंटर्स हैं देश में जो काम कर रहे हैं LRS के रूप में। उनके भी जो उनका करेक्टर है उसमें धीरे धीरे एक्सपेरिमेंट होती है, चेंज होती है चीजें, लेकिन अगर लोकल लेवल पर भी आपके पास बहुत रिसोर्सेज ना सही, आपके पास बहुत मैन पावर ना सही, जहां तक आप मैनेज कर सकते हैं, पटियाला का एक एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ। पटियाला में प्राइवेट चैनल्स भी हैं रेडियो के, और पटियाला का AIR का अपना LRS भी है, लेकिन कुछ वर्ष पहले की बात है और ये हाल तक की बात है, पटियाला रेडियो जो LRS स्टेशन ने अपने प्रोग्राम्स में इतने तरह के जो चेंजेस कुछ नहीं किए, सिर्फ लोगों तक पहुंचा है वो स्टेशन, और उसकी वजह से परिणाम क्या हुआ कि वहां प्राइवेट चैनल्स जो एंटरटेनमेंट चैनल्स हैं उनके मुकाबले में खड़े होकर भी पटियाला का हमारा लोकल रेडियो स्टेशन जो है वो नंबर वन रहा है अपने डिस्ट्रिक्ट में रेडियो चैनल्स में। तो इसका मतलब क्या होता है कि लोग सिर्फ एंटरटेनमेंट के पीछे पागल नहीं है, वो सिर्फ हल्की फुल्की बातें या कुछ हंसी मजाक या प्रैंक्स या इसी चीज तरह की चीजें नहीं सुनना चाहते, वो अपनी काम की चीजें भी सुनना चाहते हैं, लेकिन वो काम की चीजें उनके हिसाब से होनी चाहिए, मेरे हिसाब से नहीं होनी चाहिए। मैं प्रोड्यूसर हूँ, मैं नहीं डिसाइड करूंगा कि उसको क्या देना है, वो डिसाइड करेगा कि उसको क्या चाहिए, और उसको जो डिसीजन हमारा लिसनर लेगा उसके हिसाब से मुझे उसके लिए चीजों को परोसना है, तैयार करना है, बनाना है। कुछ साल पहले पटियाला में बाढ़ आई थी,
उस बाढ़ में नाव पर बैठकर वहां की टीम रेडियो की जो है एलआरएच की, वो गांव गांव जाती रही, गांव के लोगों से बात करती रही, उनके प्रॉब्लम्स को डिस्कस करती रही, और यहां तक हुआ कि वहां के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स या डिप्टी कलेक्टर जो हैं या जो इस इन चीजों को देख रहे थे, उन लोगों के साथ भी उन्होंने ट्रेवल किया इस तरह से, या उनसे बात की, उन प्रॉब्लम्स को वहां तक लेकर गए और उनसे उसका फीडबैक लिया, या गांव की जो प्रॉब्लम है वो उन्होंने सीधे वहां तक पहुंचाया और उसका सोल्यूशन भी वहां तक पहुंचाया। अगर हम लिसनर के लिए अपने ये चीज कर सकते हैं कि हम उनकी डे टू डे लाइफ में उनकी जो इमीडिएट प्रॉब्लम्स हैं अगर उसमें हम हेल्प कर सकते हैं, तो यकीन मानिए कि वो हमसे कनेक्ट होगा, जुड़ेगा। इमोशनल बॉन्डिंग एआईआर के साथ लिसनर की है, वो दिखती है, लेकिन हम उसमें कॉन्ट्रीब्यूट कुछ नहीं नया नहीं कर पा रहे हैं, तो इसलिए उसको लगता है कि जो उसके एक्सपेक्टेशन है उसमें हम बहुत ज्यादा खरे नहीं उतर पाते हैं अगर हम अपने कार्यक्रमों में नयापन नहीं लाते, उसमें इनोवेट नहीं करते। इसी के साथ साथ जब हम इन चीजों को, अब अगर हम किसी ऐसे डिजास्टर के समय में अगर रेडियो, रेडियो बहुत इफेक्टिव मीडियम है ये तो हम सब जानते हैं, बहुत यूजफुल है, सबसे ज्यादा यूजफुल मीडियम रेडियो हो सकता है, हुआ है ऐसे जितनी भी आपदाएं आई हैं, लेकिन उस पीरियड में क्या रेडियो ऑडियो के साथ साथ जो हम रिकॉर्डिंग्स कर रहे हैं, क्या उसके साथ साथ वीडियो रिकॉर्ड भी हम कर सकते हैं, ताकि हम रेडियो को या ऑडियो को वीडियो में कन्वर्ट नहीं करना चाहते हैं, लेकिन हम ऑडियो के साथ साथ वीडियो विजुअल प्लेटफॉर्म पर भी अवेलेबल होकर लोगों तक पहुंचना चाहते हैं, जो उसको जहां सुविधा होगी वहां उसको देखेगा सुनेगा। मैं ड्रामा को मैं विजुअल प्लेटफॉर्म पे पर्सनली नहीं पसंद करूंगा कि उसको हम ड्रामा की रिकॉर्डिंग हो रही है और उसको हम वहां रखें, या जो एंटरटेनमेंट के प्रोग्राम है, गानों का प्रोग्राम है, फरमाइशी प्रोग्राम है, स्टूडियो को लेकर हम अगर विजुअल प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है तो मुझे लगता है कि वो डिस्ट्रैक्ट करता है। हम म्यूजिक को सुनना चाहते हैं, म्यूजिक को देखना नहीं चाहते, तो हम सुने। और विजुअल भी अगर हम स्टूडियो का विजुअल एक स्टैटिक दिखाते हैं तो वो कोई बहुत अट्रैक्टिव नहीं लगता है, बल्कि कई बार दिक्कतें उसमें नजर आती हैं जो नहीं होनी चाहिए, प्रेजेंटर के लिए या जो प्रोग्राम कर रहा है उसके लिए एक प्रॉब्लम होती है कि वो चीजों को अपने सहज भाव से नहीं कर पाता है। ऐसी चीजों में उसकी जरूरत उतनी नहीं है, लेकिन जैसे एजुकेशन ब्रॉडकास्ट का मैंने कहा, उसमें किसान भाइयों के लिए जो प्रोग्राम होते हैं, ग्रामीणों के लिए जो प्रोग्राम होते हैं, जिसमें उनके लिए कुछ यूजफुल इंफॉर्मेशन होती है, अगर मक्के की खेती में कुछ खास चीजों की अगर बीमारी की हम बात कर रहे हैं, तो उस बात को क्या हम उस माहौल में कर सकते हैं जहां हम उसको पिक्चर के जरिए भी, विजुअल के जरिए, वीडियो के जरिए भी हम उसको दिखा सकें फेसबुक पर या यूट्यूब पर। और आज हम चूंकि यूट्यूब पर भी अवेलेबल है, ऑल इंडिया रेडियो के अपने अपने चैनल्स हैं यूट्यूब पर, तो उन चीजों को हम वहां भी दिखा सकते हैं, बिल्कुल आसानी से दिखा सकते हैं, जैसे हम क्रिकेट की कमेंट्री को दिखा रहे होते हुए, तो उससे उसका इफेक्टिव, उसका रिजल्ट बहुत कई गुना बढ़ जाता है, और उसको समझ जो है, जो लिस्नर है हमारा, अगर वो मक्के की खेती में, मक्के के पौध में कोई बीमारी है, उस बीमारी को हम वैसे समझा रहे हैं, शायद हम अगर वहां दिखाते हैं तो और बेहतर ढंग से उसको समझाने में, उसके इलाज में, उसके पेस्टिसाइड्स के यूज में, फर्टिलाइजर्स के यूज में, इन तमाम चीजों में जो है वो बहुत फर्क पड़ता है। और दूसरी चीज ये कि उसका फीडबैक वो अभी देखेगा, नहीं देख पाया तो भी बाद में देखेगा तो उस पर अपना फीडबैक देगा, वो अपने कमेंट्स देगा, वो तो आपको इंस्टेंट जो है उसके साथ साथ फीडबैक मिलता रहता है, तो उससे आपको बहुत लाभ होता है और आप उसका यूज कर पाते हैं। इसी तरह से एक और छोटे सी, बहुत ही सिंपल सी छोटी सी चीज है, लेकिन लास्ट में वो चीज भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। कोई भी व्यक्तियों के बारे में हम अपने प्रोग्राम्स में या चैनल्स पे, लगभग सारे जो मीडियम वेब चैनल्स हैं हमारे, प्राइमरी चैनल्स हैं, वो कोई व्यक्तियों के बारे में सूचना उपलब्ध करवाते हैं। अब हम जब मजबूरी थी तब की बात और थी, क्योंकि तब हम बताते थे कि 5 फीट 2 इंच लंबा कद है, गेहूं रंग है, दो ऐसे ऐसे कपड़े पहने, ऐसा किया वैसा किया, जो भी हम उसको डिस्क्राइब करने की कोशिश करते थे, उसमें भी उसी स्टाइल में आज पिछले 30-35 सालों से मैं देख रहा हूँ कि उसी तरह की चीज ढंग से वो चीजें की जाती हैं, कोई बदलाव उसमें नहीं आया, बल्कि बेहतर होने के बजाय और उसका वो ढंग जो है खराब हुआ है। लेकिन उसके साथ साथ अगर इस तरह की चीजों में जो लॉस्ट पर्सन की बात हम करते हैं, सूचनाएं देते हैं जो पुलिस डिपार्टमेंट से आती हैं, तो अगर उसकी सूचना उसी तरह की चीज को अगर हम विजुअल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे भी सेम टाइम में अगर दे सके, जिसमें पिक्चर के साथ हम दे पाते हो, तो पिक्चर जब आप फेसबुक पे अपने पेज पर या यूट्यूब पर वो पिक्चर जब आती है, तो उसके साथ साथ डेफिनेटली
इजी हो जाता है लिसनर के लिए ये समझना कि अच्छा ये व्यक्ति है जो गुम हो गया। आप बताकर उसका चेहरा मोहरा इतना ज्यादा तरीके से उसको स्पष्ट नहीं कर सकते जितना उसका पिक्चर दिखाकर कर सकते हैं, या इवन उसका कोई वीडियो अगर शेयर किया गया है फैमिली द्वारा तो उस वीडियो के जरिए कर सकते हैं। फोटो तो पुलिस डिपार्टमेंट आपको पहुंचाता ही है, तो फोटो तो कम से कम कर ही सकते हैं। तो इस तरह की चीजों से आपको बहुत लाभ मिलता है। उसका जो असली फायदा है, हमारे जो प्रेजेंटेशन है, हमारा ब्रॉडकास्ट है, उस ब्रॉडकास्ट में उसका इफेक्टिवनेस जो है वो बहुत बढ़ जाता है। तो ये कुछ बेसिक चीजें हैं जिन पर मैंने काफी लंबी चर्चा कर ली आपसे लेकिन इसमें एक दो चीजें और संक्षेप में मैं जरूर कर आपसे शेयर करना चाहूंगा और बल्कि समअप करना चाहूंगा इसको, क्योंकि ऑडियंस को, लिस्नर को हमें प्रायोरिटी देनी है, उसको पहले स्थान पर रखना है, उसके हिसाब से चीजों को हमें तय करना है कि हमें क्या करना है। हमें अपने प्रोग्राम के डिजाइन को, फॉर्मेट को इस तरह से बनाना है कि उसकी रीच हो, वो पहुंचे लोगों तक, लोग इंगेज हो, उसके साथ जुड़े और उसके बाद एक कनेक्ट वो फील कर पाए। उससे कनेक्ट फील करेंगे तो वो हम उनकी उनकी जो प्रेजेंस है उसको रिटेन कर पाएंगे। अगर नहीं वो कनेक्ट फील कर पाते हैं तो फिर वो अलग हो जाते हैं उस चीज से, हमारे ब्रॉडकास्ट से। फिर एक और इन सब चीजों के लिए, फ्यूचर के लिए हमें जो अपना एक्शन तय करना है उसके लिए बहुत जरूरी है कि हम कुछ ऐसा प्लान बनाएं, ऐसा प्लेटफॉर्म बनाएं जहां जो डिफरेंट टारगेट ग्रुप्स हैं उनका फीडबैक हमें लगातार मिले, टाइम टू टाइम मिलता रहे। अब वो डेटा को हम कलेक्ट भी करें, उसको एनालाइज करें। देखिए कुछ फीडबैक्स, अब किसी ने कुछ फीडबैक दिया, नेगेटिव दिया, पॉजिटिव दिया, वो हमारे लिए क्राइटेरिया नहीं हो सकता, लेकिन उस फीडबैक को प्रॉपर डेटा फॉर्म में हम उसको रखें, उसको एनालाइज करें, एनालाइज करके फिर हम तय करें कि हमें क्या चीजें करनी है। तो ये जरूरी है और एक इम्पॉर्टेंट चीज ये जो मैंने बीच बीच में बहुत बार आपसे जिक्र किया कि हमें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से अपने आप को लिंक करना जरूरी है। और इसमें एक और चीज हम जो कर सकते हैं, जो हम दरअसल जो ब्रॉडकास्ट का हमारा फॉर्मेट है वो रेडियो और क्लॉक के रूप में है, यानी हम एक घंटे का प्रोग्राम हो सकता है, आधे घंटे का हो सकता है, 45 मिनट, 20 मिनट, इस तरह के हम रेडियो क्लॉक आवर्स डिसाइड करते हैं। लेकिन वो एक फॉर्मेट, एक चंक, एक स्लॉट या एक प्रोग्राम में हो सकता है, लेकिन उसमें जो कंटेंट है उस कंटेंट को हम अलग अलग ढंग से भी इस्तेमाल कर पाए, क्योंकि अगर अच्छा कंटेंट है तो वो अलग अलग, क्योंकि आप अच्छा प्रोग्राम बनाते हैं, बहुत बढ़िया आपने ड्रामा बनाया, फीचर बनाया या कोई अच्छी कोई बातचीत रिकॉर्ड किया आपने, बहुत अच्छा है, सुनने में इंटरेस्टिंग है, सुनने का ढंग, बताने वाले का ढंग या बात करने वाले का ढंग इंटरेस्टिंग है, लेकिन वो एक बार ब्रॉडकास्ट हुआ या मान लीजिए दो बार हो गया, उसके बाद वो खत्म हो गया, उसकी इतनी अच्छी प्रोडक्शन की वैल्यू को हमने ठीक से यूटिलाइज नहीं किया, उस वैल्यू के हिसाब से उसको हमने लोगों तक उस ढंग से उसका इस्तेमाल हम नहीं कर पाए। तो ऐसे में बेहतर है कि उस कंटेंट को अगर हम अलग अलग ढंग से भी इस्तेमाल कर सकें, छोटे छोटे उसके चंक्स बना के, बाइट्स बना के यूज कर सकें, चाहे वो एफएम के फॉर्मेट में हो, चाहे और डिफरेंट फॉर्मेट्स में या प्रोग्राम्स में हो, तो उस वो भी एक अच्छी चीज होगी जो हम कम रिसोर्सेज में अपने कंटेंट को और ज्यादा वाइड स्पेक्ट्रम दे पाएंगे और वाइड रीच उसकी हो पाएगी हमारा जो कंटेंट। तो फ्रेंड्स ये जस्ट ये चीजें थी बेसिक जो प्रोग्राम की प्रेजेंटेशन, ऑडियो प्रेजेंटेशन और प्रोडक्शन में हम मैं आपसे शेयर करना चाहता था। थोड़ा सा समय है इस बात के लिए क्योंकि मुझे ये लगता है कि जो क्रिएटिविटी है वो सभी जगह सभी में है और मेरे इतने सारे नोन सभी हैं जो जुड़े हुए इस समय, कनेक्टेड हैं हमसे, और सभी बहुत अच्छा अच्छा अपनी अपनी जगह काम कर रहे हैं। बहुत सारे लोगों को इसमें अवार्ड भी मिले हैं नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे। तो मैं चाहूंगा गुंजन की हम कुछ उनसे भी शेयर कर पाए चीजों को, वो हमारे साथ शेयर करें और हम मक्खियों के साथ भी शेयर कर पाए तो अच्छा रहेगा। यस सर, आई थिंक पार्टिसिपेंट शुड इंटरेक्ट नाउ, वी कैन हैव दिस सेशन इंटरेक्टिव सेशन नाउ, but I don't know whether to call them one by one or they will unmute themselves. Parmita ma'am? Parmita ma'am? Yes, you are always very attentive. Thank you very much. Parmita ma'am, can you hear me? Hello. I think we are not getting a voice.
Paramita, mute hai. She is not getting a voice. They can unmute themselves. Itna control to sirf mute karne ka hota. Unmute wo khud se kar sakte. But I think Vaishali ma'am has sent some message. Okay. Yeah, so I will read that. It's about? She's saying your lecture was very useful. Utpal Kant ji has sent, sir, AIR is one-way communication mode. How should I know that my content has been liked or not? Utpal ji, during the course of my interaction or lecture, I have mentioned it so many times. If we are available on social media at the same time, you will get the feedback, suggestions, comments at the same time, instantly. So that may be the best way to get the feedback from the listeners. Otherwise, you see, what is, in my experience, I have found that later on, listeners, usi time mein jo feedback deta hai na, wo, that is more honest, authentic, aur zyada usme clarity hoti hai. Later on, usko sochna padta hai, he has to write an email or send a letter to you. उसका कोई बहुत ज्यादा यूज नहीं होता और बाद में तो चीजें भूल भी जाती हैं या नहीं कर पाता उस समय जब वो ही इज लिसनिंग ही और शी इज लिसनिंग द प्रोग्राम एट द सेम टाइम ही और शी गेट मोटिवेटेड टू से समथिंग टू शेयर समथिंग तो वो सोशल मीडिया पे उसी टाइम में वो चीजें जो है वो शेयर कर पाता है करता है और ये बेस्ट तरीका है लेकिन एक चीज मैं जरूर ये कहना चाहूंगा कि किसी की फीडबैक या किसी की सजेशन या अप्रिसिएशन या क्रिटिसिज्म को हम उसी रूप में सीधे ना लें बल्कि हम उसको एनालाइज करें हमारे पास बहुत सारे सजेशंस आ रही हैं बहुत सारे फीडबैक आ रहे हैं कमेंट्स आ रहे हैं हम उनको कंपाइल करके उसको एनालाइज करके फिर हम डिसाइड करें कि हम इसको किस रूप में हम टेकअप करना चाहते हैं एग्जैक्टली जैसा वो चाहते हैं वैसा करना चाहते हैं क्योंकि एक आदमी एक लिसनर जो है अगर वो कोई अपना फीडबैक देता है तो वो अल्टीमेट नहीं है बट इट इज इम्पॉर्टेंट एनालाइज करने से हमें एक वाइडर उसका स्पेक्ट्रम बनाने में मदद मिलती है एंड वी कैन इट बिकम्स यूजफुल फॉर अस ओके एनीवन एल्स यस त्रिवेदी मैम वैशाली त्रिवेदी मैम हैज मैसेज्ड सो आई विल जस्ट रीड देम या थैंक्स शी शेयर्स एंड यस आई एग्री विद उत्पल जी एज वी शुड हैव मोर वेज ऑफ नोइंग लिसनर्स रिएक्शन I think we should have more and more interactive program. Sir, I need your comment. And live streaming can also be an option. Live streaming is already, we are doing that. And I don't know, because Vaishali ji, you can tell us how at present we are getting the feedback through SMS instantly. Even email is being used as a feedback. Obviously, it's not the time for the letters to write a letter to the All India Radio or somewhere. लेकिन ये कि जो ये चीजें हैं वो तो वो फीडबैक तो हमें मिल रहा है लेकिन अगर इफ यू हैव एनी आइडिया ऑफ एनी अदर प्लेटफॉर्म और द वे वी कैन गेट द फीडबैक यू कैन शेयर विद अस बिकॉज feedback we are getting the feedback from the listeners but it is not organized you see we from the very early in the morning to the till night we are broadcasting in fact we are broadcasting for 24/7 but we are getting the sms also since the morning till late night or 24/7 but we don't compile the smss we don't analyze them They are not taken for analyzing by the audience research or by anybody, any organization, any unit, so that we can get a proper idea what the listener want. Because most of the listeners in our programs, they send the SMS just to listen to their name or listen a particular song. That is the purpose for them. But about the program, and I know their mentality or their psychology. When one presenter is doing a program, he or she, as a listener, will appreciate her a lot. Like, you are the best voice. You are the my favorite anchor, my favorite presenter, and I love you.
And this is the song which I want to listen to you. But in the next program, next when the next presenter is there on air, the same comment will go for her also, yeah, for him also. So हम एनालाइज जब करेंगे तो हमें ये पता लगता है कि आखिर किस तरह का हम फीडबैक हमें मिल रहा है बिना विदाउट एनालाइजिंग द फीडबैक एसएमएसेस और एनी अदर इनपुट्स इवन यू सी मैं इसीलिए मुझे लगता है कि व्हेन द कंटेंट इज अवेलेबल ऑन फेसबुक और यूट्यूब द नंबर मे बी लेस बट देयर आल्सो यू गेट कमेंट्स सजेशंस दैट मे बी यूजफुल फॉर फ्यूचर प्रोडक्शंस सो दैट प्लेटफॉर्म इज also very important and to some extent you can say more important than the routine platform which is SMS. Okay. Chitra ma'am, you want to say something? We got another chat. Good morning, sir. Good morning, Dr. Chitra. Sir, ek question tha. Actually, मैं being a junior, sometimes मुझे problem होता है कि how much innovative can I be? Like, कितने हद तक जा सकते हैं सर हमारे organization में कितना सारा rules and regulations होता है सर इसलिए for innovation मुझे sometimes मैं farm and home का program करती हूँ सर तो यस पहले से जो होते आ रहा है सर हमें हमेशा ऐसे ही बोला जाता है कि पहले जैसे होते आ रहा है वैसे ही करो सो दैट्स व्हाई कभी सर दिक्कत बहुत होता है सर अच्छा इसमें मैं आपको एक प्रैक्टिकल तरीका बताता हूँ डॉक्टर चित्रा जी कि जी. आप छोटा छोटा एक्सपेरिमेंट शुरू करें छोटे छोटे उससे क्या है कि क्योंकि आप अभी कोई बड़ा एक्सपेरिमेंट कोई बड़ा इनोवेशन कोई बड़ा चेंज अगर आप करना चाहेंगे तो हो सकता है कि उसको लेके अरे नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता वैसा नहीं हो सकता ये चीजें हैं ये चैलेंजेस बहुत बड़ी हैं ये प्रैक्टिकल है और सच्चाई है जो आप कह रही हैं लेकिन मुझे ये लगता है कि अगर हम बेसिक छोटे छोटे देखिए सबसे जरूरी तो पहली चीज तो ये है कि जो आप ऑडियो कंटेंट भी प्रेजेंट कर रहे हैं उसमें आप उसको इंटरेस्टिंग कैसे बना सकते हैं उसके प्रेजेंटेशन को कैसे बना सकते हैं क्योंकि आपके जो कॉम्पियर हैं अब देखिए मुझे लगता है कि मैंने कई स्टेशन्स पे मतलब काम भी किया लेकिन सुनता भी हूँ मुझे लगता है कि कॉम्पियर्स की प्रेजेंटेशन जो बहुत की रोल प्ले करता है आपके फार्म एंड होम में खास तौर पे इस तरह के कंपोजिट प्रोग्राम में वो चूंकि इसलिए कि वो कर रहे हैं सालों से 20 साल से कर रहे हैं 30 साल से कर रहे हैं इसलिए उनको करवाना है या तो वो अपने को चेंज करे नई जरूरत के हिसाब से या नए लोगों को उसमें इंट्रोड्यूस करे आप मतलब कुछ यंग हो कुछ एनर्जेटिक हो कुछ इनोवेट कर सके अच्छे ढंग से उनकी भाषा अच्छी हो उनका स्टाइल अच्छा हो आप जब तक इसको अट्रैक्ट कानों को सुनने में अच्छा नहीं लगेगा किसी के भी तो वो क्यों सुनेगा आप कुछ आप इस बात को जानते हैं कि चाहे वो रूरल फोक गांव के लोग भी किसान भी हैं उनके सामने एक तो ऑप्शन है उनकी सोच भी अब वो भी ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ घिसे पिटाए तरीके की चीजें ही सुनना चाहते हैं वो भी नए ढंग से नई चीजों को देखना चाहते हैं इसलिए मुझे लगता है कि आप छोटी छोटी चीजों को आप कुछ अगर छोटे छोटे आप फीचर्स बना सकती हैं किसी क्योंकि कुछ चीजें तो रिपीट होती हैं आप करते ही रहते हैं और उन रिपीट होने वाली चीजों को अगर आप एक फीचराइज्ड फॉर्म में 3 मिनट 4 मिनट का कुछ बना लेते हैं जिसमें म्यूजिक के साथ कुछ कुछ बाइट्स होती हैं कुछ नरेशन होता है और किसी पर्टिकुलर चीज के बारे में मान लीजिए पेस्टिसाइड के इस्तेमाल के बारे में ही है आप जागरूकता के लिए आप वार्ता करते हैं उस पर एक टॉक कर लेते हैं उस पर या कंपेयरिंग करते हैं कंपेयरिंग भी लंबी चौड़ी करते हैं उसकी बजाय अगर हम उसको एक फीचराइज्ड फॉर्म में कर सके पॉसिबल जहां तक हो वहां तक तो हम इस तरह की कोशिश कर सकते हैं जो कंपेयरिंग है वो देखिए इंटरेस्टिंग होना बहुत जरूरी है कुछ कुछ ऐसे स्टॉक कैरेक्टर्स रहे ऑल इंडिया रेडियो में जो रेडियो के हिस्ट्री में बहुत पॉपुलर रहे हैं जैसे लखनऊ में एक रमई काका थे रौनकी राम थे जालंधर में इस तरह के कैरेक्टर्स बहुत पॉपुलर रहे तो अगर उस तरह के आप एक जेल कर सकते हैं कोई आपका कुछ एक थोड़ा मतलब आप जो इम्प्रेशन क्रिएट करता हो कि पढ़ा लिखा समझदार आदमी और एक थोड़ा उस तरह का कॉम्पियर में कैरेक्टर स्टॉक कैरेक्टर जो कि एक खास तरह के ग्रुप को के साथ कनेक्ट कर पाता हो अपने आप को तो ये चीजें जो है उसको दोनों तरह का फील दे पाएंगी उसमें दोनों के बीच की बातचीत का कंट्रास्ट भी निकलेगा
आप दोनों एक ही तरह से बात करेंगे? आजकल मोस्टली क्या स्टेशन पे देखता हूँ कि फार्म एंड होम या और भी जो इस तरह के कंपोजिट प्रोग्राम्स हैं, कि वो बातचीत करते हैं सिंपल सी, और वो बातचीत भी बहुत बोरिंग होती है. वो ना तो प्रॉपर ढंग से उसकी स्क्रिप्टिंग होती है, ना प्रॉपर बातचीत का ढंग होता है. किसी अचानक ही किसी मतलब जो कंटिन्यूटी होती है उसकी, वो भी उसमें नहीं देखने को मिलती है कि आप एक सब्जेक्ट से दूसरे सब्जेक्ट पे स्विच ओवर कर रहे हैं तो आप अचानक कभी ये बात करें तो उसके बाद आपने की, क्योंकि आप स्टेटमेंट के हिसाब से, लॉगिंग के हिसाब से, या जो रजिस्टर में लेआउट में आपके सब्जेक्ट लिखा हुआ उसके हिसाब से आप स्विच ओवर कर जाते हैं. एक जो कंटिन्यूटी होती है, बहाव, सहज बहाव है चीजों का, एक फ्लो है उसका, वो ये चीजें तो आप अपने लेवल पे जरूर कर सकती हैं चित्रा. आपको उसमें ना तो परमिशन की जरूरत है, ना आपको एक्स्ट्रा रिसोर्सेज की जरूरत है, ना आपको एक्स्ट्रा मैन पावर की जरूरत है. उन्हीं को आप लगातार थोड़ा सा मोटिवेट करें या बेहतर कुछ अपना पैनल इम्प्रूव करें और आप उसमें ये एक्सपेरिमेंट करें. ये इतना इम्पोर्टेंट सेगमेंट है हमारा, लेकिन मुझे ये लगता है कि इसमें स्कोप बहुत है पर काम बहुत कम हुआ है. थैंक यू चित्रा मैम. थैंक यू सर. थैंक यू. थैंक यू. हेलो सर, जैनेंद्र सर नमस्कार. शहनाज बोल रही हूँ मैं. हाँ शहनाज, मैं आपको देख रहा था और मैं सोच रहा था कि आपको पार्टिसिपेट करना चाहिए कुछ. मैं तो मतलब यू आर सो नॉलेजेबल सर कि मैं सुनती रह जाती हूँ कि क्या हो रहा है क्या. थैंक यू सो मच शहनाज. आपको देखिए, आपको अपनी प्रोडक्शंस के लिए अवार्ड्स भी मिले हैं. बहुत क्रिएटिव आप काम करते हो, तो मुझे ये था कि आप भी, आप लोग थोड़ा शेयर करें अपने एक्सपीरियंसेस को, क्रिएटिविटी को. हाँ जी सर, मैं मुझे लगा कि आपने इतनी बड़ी साइंस ब्रॉडकास्ट बोला, जलंधर बोला, तो मुझे कुछ बोलना पड़ेगा. जी सर, ऐसा है कि यहाँ पटियाला में वी आर एट LRS, तो सर हमने ना कोविड में ना दो काम किए बड़े इंटरेस्टिंग. हमने एक डिजिटल दुनिया करके शुरू किया. क्रेडिट गोज टू मिस्टर अमरजीत बड़ाया था आल्सो. तो सर ये, आई नो दैट. हां जी सर, डिजिटल दुनिया करके हमने शुरू किया. तो उसमें सर 2 मिनट में, जैसे वो टेक मखनी वाला करता है ना सर, विदाउट यूजिंग एनी नेम ऑफ एनी अप्लायंस या कुछ भी ऐसा, वो तो बोलता है एप्पल है, सैमसंग है, हमने उसके बगैर सर जितने भी एप्स हैं सारी इन्फो सर हम देते रहे. फिर सर हमने डॉक्टर्स के साथ शुरू किया, डॉक्टर साहब कहने ने है ना, वो सर 5 मिनट का ही टेल्स यू अबाउट द डिजीज सर. वो तो ना इंटरेस्टिंगली क्या हुआ, हमें सर इसके लिए एफर्ट बहुत करना पड़ता था, बिकॉज वी यूज्ड टू टेल द डॉक्टर्स टू रिकॉर्ड इट एंड सेंड अस, देयर वाज नो पेमेंट इन्वॉल्वड. कोविड के कारण हमने ऐसा किया कि पीपल अनएबल टू गो टू हॉस्पिटल्स. तो सर वहाँ क्या हुआ कि हमारा डॉक्टर साहब कह रहे हैं किसी लिस्नर ने बंद करा दिया. जब आप लिस्नर की बात कर रहे हैं ना, तो कहते हैं बहुत बकवास है, मुझे समझ नहीं आता, वो पता नहीं क्या बोल रहे हैं. हमें बड़ा, जब हमने कहा चलो ठीक है बंद कर दो, एक लिस्नर कहने के लिए, अभी भी वो रामचंद्र जी का धोबी अभी भी काम करता है, तो उसने बंद करा दिया सर. फिर उसके बाद ये डिजिटल के भी पीछे पड़ गए, पर somehow we got good response. किसी बुजुर्ग ने हमें लेटर लिखा कि आई एम लर्निंग, और सर वो उसने हमें नहीं लिखा, जो उसका हमारा जो बंदा था इसका, मिस्टर कंबोज है यहाँ पे सर, वो काम करते हैं इस पर, उसने बहुत काम किया हुआ, यूट्यूबर भी है वो. तो सर उसको हमने किया हुआ था कि तुम हमें इतने चंक्स दे दो और हम स्क्रिप्ट के हिसाब से पे करेंगे सर, इस तरह से था ये. बाकी सर सारे यंगस्टर्स बैठे हुए ना, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ. नहीं मुझे 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 मालूम है, क्योंकि अमरजीत शेयर करते रहते थे चीजों को और बहुत सारे उन्होंने इस तरह के एक्सपेरिमेंट्स किए. और यही चीजें मैं कहता हूँ, छोटे छोटे आप चीजों को परोसें या एयर करें, क्योंकि लंबी बातचीत, लंबे इंटरव्यूज, लंबे डिस्कशंस कोई नहीं सुनना चाहता. लेकिन अब जैसे हेल्थ हेल्थ की बात है ना, देखिए हेल्थ के बारे में हर कोई सुनना चाहता है, हर कोई इंटरेस्ट लेता है उसमें, लेकिन ये कि उसका प्रेजेंटेशन इंटरेस्टिंग हो, छोटा हो, शॉर्ट हो, स्वीट हो, लेकिन यूजफुल हो उसके लिए. सर नहीं सर, हमारा एक हेल्थ का आज भी है सर शो 4-5. तो सर उसमें क्या होता है, वी कॉल द डॉक्टर, चाहे वो ऑनलाइन हो, अब आने शुरू हैं वैसे डॉक्टर्स, दे डोंट प्रेफर टू कम सर, क्योंकि उनके पास टाइम ही नहीं है, नहीं है. एक आपका जो शो है ना सर, वो हमारे साथ करते हैं ऑनलाइन, वो अपने फोन पे, हम अपने फोन पे. कई बार तो मैं मोबाइल से उनसे बात करके, आई एम लिटरली एक्टिंग एज देयर असिस्टेंट सर. पर वो हमारा शो बंद नहीं होता, 18-20 कॉलर्स आते हैं सर एक घंटे के कॉल में, जिसमें हम उनको पूरा टाइम देते हैं, किसी को काटते नहीं है.
सर वो भी है, इस तरह का भी है, पर सर ये है कि लोग ना अजीब से तरह के हैं, क्योंकि हमारे लिसनर्स जो हमें फीडबैक देते हैं, यहाँ पे सर जब आप लिसनर्स की बात कर रहे हैं ना, आई वांटेड टू ब्रिंग इट ब्रेक दैट पॉइंट, सर वो बूढ़े लोग जो लिसनर्स है ना सर, वो अपने हिसाब से चिल्लाते हैं जब ये मैम बोलती कुछ लिस्टर ऐसे हैं जो डिक्टेट करते हैं कि आपने उनका नाम नहीं लिया तो वो उसके बारे में बहुत इशू खड़ा करेंगे, आपने उनके पसंद का गाना नहीं बजाया तो बहुत प्रॉब्लम खड़ी होती है। लेकिन मुझे एक चीज ये लगती है कि आप कुछ तो अगर कुछ ऐसे जो रेगुलर लिस्टर हैं आइडेंटिफाई करें, थोड़े उनसे बात करें कि भाई अगर आप ऐसे करेंगे तो हम आपको ऑफ एयर कर देंगे या जो भी करेंगे। दूसरी चीज मुझे लगता है हम लिस्टनर का अगर बेस अपना बढ़ा पाते हैं, है ना, मैंने ये चीज एक्सपेरिमेंट कह लीजिए या ट्राई किया मैंने एफएम रेनबो में जब मैं देखता था दिल्ली में, तो वो हमने उसमें ट्राई किया तो नए लिस्टनर बहुत जुड़े, क्योंकि अगर आमतौर पर ये इम्प्रेशन जाता ना कि कुछ 10-20 लिस्टर हैं जो कि पूरा कैप्चर करके रखते हैं, अगर उस इम्प्रेशन को हम तोड़ पाए और उसमें नए लिस्टर को हम अगर बेस प्रोग्राम का बढ़ाते हैं, प्रोग्राम का एंटरटेनिंग होता है, सुनने में अच्छा लगता है लोगों को, तो अगर लोग जुड़ते हैं, अगर बेस हम बढ़ाते हैं तो फिर बहुत उसका लाभ मिलता है, क्योंकि तब लोग मुझे हैरानी होती है कि बहुत अच्छे अच्छे लोग, मतलब जो इंटेलेक्चुअल हैं, जर्नलिस्ट हैं, वो लोग तक जो है एसएमएस भेजते थे या मेल करते थे या फेसबुक पर उन्होंने कमेंट किए हैं, तो हमें उसका बेस तो बढ़ाना पड़ेगा। देखिए इसको, इसकी वजह से हम अपने को लिमिट नहीं कर सकते, हम उसकी काट हमें निकालनी पड़ेगी इस तरह के लिसनर्स की जो आपके लिए प्रॉब्लम बनते हैं या बन सकते हैं, और उनके जिसके वेस्टेड इंटरेस्ट हैं बेसिकली, हमें जो लोग चिट्ठी लिखते हैं ना वो बड़ा दुख होता है, क्योंकि हम अपनी तरफ से फ्रेश जा रहे हैं, हर बार फ्रेश जा रहे हैं, सब कुछ जैसे बाकी लोग काम कर रहे हैं वैसे हम काम कर रहे हैं, बहुत हार्ड है ना सर। उसमें क्या आता है, जवाब हमेशा यही आता है, इसने ना ये प्रेजेंट किया था प्रोग्राम जो म्यूजिक वाला था जिसने उनकी रिक्वेस्ट की, वो अच्छा है, वो अच्छा है, तो सर वो अगर सारे ऐसे हो हम उनको बोलते हैं बार बार कि प्रेजेंट किया कैसा लगा। एक बारी ना सर हमने, आई एम सॉरी मैं अगर बाकियों का टाइम ले रही हूँ सर, क्वालिटी में हम एक प्रोग्राम कर रहे हैं, तो सर उसमें हमने ना पूछा लोगों को कि आप यू जस्ट एसएमएस अस, हमारे पास सर एसएमएस नहीं है, हम व्हाट्सएप पे एसएमएस मंगवाते हैं, एक हमने फोन लेके रखा हुआ, तो सर हमने उनको बोला कि व्हाट्सएप पे ना तुम हमें मैसेज करो, डू यू लिसन टू दिस प्रोग्राम, हम घंटा लगाते हैं इस पे एंड वी गो आउट ऑफ द वे, तो सर हमें लोगों ने रिस्पांस दिया, दैट वाज वेरी ब्यूटीफुल कि चलो कुछ लगा हमें, मेहनत हो रही है, बच्चे कर रहे हैं, तो समथिंग इज कमिंग बैक। नहीं मैं बेसिकली यही चीज है कि देखिए लोग सुन रहे होते हैं, लेकिन जो थोड़ा मतलब बुद्धिजीवी है, थोड़ा अलग तरह के हैं, जो अब मुझे लगता है कि मैं अगर कोई प्रोग्राम मुझे अच्छा लगता है तो ऐसा तो नहीं कि मैं तुरंत एसएमएस भेजूंगा या चिट्ठी लिखूंगा, ऐसे बहुत सारे लोग होंगे, तो उन लोगों को हमें किसी तरह से अप्रोच करना या कनेक्ट करना जरूरी है, क्योंकि वो असली फीडबैक उन्हीं से मिलेगा, क्रिटिकल एनालिसिस जो है वही करेंगे, जो रूटीन के लिसनर हैं वो लिसनर तो उनके अपने कुछ अपने वेस्टेड इंटरेस्ट हैं, इसलिए उनके बात को बहुत ज्यादा हम डिसाइडिंग फैक्टर नहीं बना सकते उनकी बात को, मुझे लगता है। चलिए इनफैक्ट गुंजन आप देख लें, आई थिंक इट्स दीपक said something, it's okay. A very innovative online training for newcomer, I learned lots of things from you in this show. Thank you Deepak ji. And Utpal ji has said being apolitical, not freedom like private channel to innovate as much they can, how we can create more innovative content having so much constraint, and he's in the middle, he's still listening. Thank you. We have already discussed it, but whatever minimum you can do, at least you try that. और आप धीरे धीरे करेंगे तो आपकी जो एक आइडेंटिटी बनती है ना, आपका ट्रस्ट आपके लिए ऑर्गेनाइजेशन का बनता है, फेथ ऑर्गेनाइजेशन का आप में अंदर पैदा होता है, तो आपकी आपके एक्सपेरिमेंट और इनोवेशन की वैल्यू की जाती है। लेकिन आप धीरे धीरे शुरू करें, अपनी जगह बनाएं इस तरह के प्रोग्रामर के तौर पर कि आप कुछ नया, कुछ इनोवेटिव, कुछ एक्सपेरिमेंटल प्रोग्रामिंग करना चाहते हैं और कर रहे हैं, तो जस्ट स्टार्ट डू द बिगनिंग, आप थोड़े से शुरू करें,
उसमें बहुत स्कोप है, बिना किसी बड़े लेवल पे कुछ बड़ा कुछ दिखा के करने के या परमिशन लेके करने की बजाय आप छोटे छोटे चीज लेवल पे छोटी छोटी चीजों को आप करते हैं, बहुत फर्क पड़ता है। और सबसे जो बेसिक चीज है वो प्रेजेंटेशन के स्टाइल, चाहे वो हमारे कंपोजिट प्रोग्राम है, चाहे वो हमारे लाइव शोज हैं, म्यूजिक के प्रोग्राम्स हैं, उसमें प्रेजेंटेशन के स्टाइल पे सबसे ज्यादा काम करने की जरूरत है। आखिर जो प्राइवेट चैनल्स हैं जिनकी आप बात कर रहे हैं, प्राइवेट चैनल्स में कोई कोई कंटेंट का एज सच प्रेजेंटेशन नहीं है, सिर्फ उनका ओवरऑल प्रेजेंटेशन ही है जो म्यूजिक का जो प्रेजेंट करते हैं या और जो मान लीजिए थोड़ा बहुत जो कंटेंट है उनका जो प्रेजेंट करते हैं, सिर्फ प्रेजेंटेशन पे ही वो चैनल चल रहा है। तो हम हमारे पास तो उससे बहुत ज्यादा चीजें हैं, कंटेंट हमारे पास इतना अच्छा है, प्रेजेंटेशन को हमें बस इम्प्रूव करना है अपने आप को, चाहे वो कंपोजिट प्रोग्राम के जरिए हो, चाहे वो लाइव शोज के जरिए, एंटरटेनमेंट प्रोग्राम्स के जरिए हो। और वो करने के लिए हमें किसी की परमिशन की जरूरत नहीं है, किसी को फाइल भेज के उस पर अप्रूवल लेने की जरूरत नहीं है। यू कैन जस्ट डू दैट एंड यू कैन जस्ट डू दैट, यू स्टार्ट इट फ्रॉम टुडे इटसेल्फ। या गुंजन, थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू ऑल पार्टिसिपेंट्स, थैंक यू फॉर डूइंग ड्यूटीज एंड यू आर अटेंडिंग द वेबिनार, सो आई एम रियली थैंकफुल। And we will meet again by 3 o'clock for the next session. Thank you, sir. Thank you. Thank you so much. Thank you, sir. Thank you, Gunjan ji.